वेलकम बैक टू एपिसोड थॉट बैंड आज से मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनका मुझे पता लगा बिकॉज कम्युनिटी के ऊपर जो है मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिटी के ऊपर हम गेस्ट भी लेते हैं तो ये बात देखें सच सब हुई आपके सामने कम्युनिटी uh, के ऊपर एक साहब ने आकर इनकी एक वीडियो पोस्ट की दे ऑफ लाइक अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डिज़ाइन ऑफ ऑटोमेटिंग वट वुड यू कॉल इट ट्रैफिक लाइट्स एंड द आइडिया वर्स के जो इशारे हैं उन इशारों के ऊपर Uh, गाड़ियाँ आती हैं गाड़ियों की जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी रश बढ़ता है दिन में ट्रैफिक कम ज़्यादा होती है तो एक फिर साहब आते हैं और वो आके सब बंद करते हैं और कहते हैं जी चलो तुम आओ और तुम जाओ और यू नो इट आई वॉल फाउंड दैट टू बी इनक्रेडिबली रिडंडेंट कि आप क्यों ये ह्यूमन एक्टिविटी इधर लगा रहे हैं वैन दिस दे कुड भी यूज इन सो मनी अदर एरियाज कंसिडरिंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू सॉल्व साल्व एज वेल एंड सो इट सीम्स लाइक दिस गाइज हैव बीन एबल टू इंडिजिनसली मेड इन पाकिस्तान तरीके से इन्होंने उसको सॉल्व कर लिया उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद इज द फाउंड एन सी ई आफ इन लाइट विच द स्टार्टअप वर्किंग ऑन ऑटोमेशन आई बिलीव ऑफ हाउ ड सो अहमद पहले तो ये कि थैंक यू सो वॉचिंग फॉर द शो एंड दूसरा मुझे बताएं कि हाउड डिफाइन योर स्टार्टअप ओके सो इन लाइट्स इज़ अटार्टअप जो कि आपका कैमरा है कैमरे से आप जो कुछ देख सकते हैं उससे आप एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ठीक है उस इंफॉर्मेशन से आप एक सर्टन काम कर सकते हैं जैसे कि इस केस में हमने ट्रैफिक लाइट्स को टाइम कर दिया और काम ही हो सकता है मैं देख रहा हूँ किसी फैक्ट्री में कुछ चीज़ गलत बन रही है उसको रोकना है कैमरा यूज़ करके जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम करके दे सकते हैं आपको इंटरेस्टिंग और हम इसमें मजीद डिटेल में आई लाइक टू गो इन टू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ हाउ यू डू इट एंड एंड वट द वे टू गो अराउंड इट पहले तो मुझे ये बताएं हुए वो यू थोड़ ऑफ बॉर्न एंड ब्रेड एंड अर्ली लाइफ कहाँ पर गुजारी आपने सो हाउल पिंडी ए टू जी बस बॉन एंड इन बात लेकिन साथ ही हम आल अच्छा। पिंडी आ गए अच्छा और एम एम एफ एस सी मैट्रिक जो नॉर्मल होता कहां है कहाँ से किया था आपने सो दिस स्कूल कॉल्ड दर कम ठीक है इस्लामिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तो उस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हैबिट था तो काफ़ी इधर स्टूडेंट्स ने रोल भी किया अच्छा एक्सपीरियंस रहा बारह साल आपने उधर ही किया नहीं एफ uh, मेट्रिक तक अच्छा देन एफ एस सी मैंने की कॉलेज हारवर्ड कॉलेज का नाम है मेरे घर के बिल्कुल पास था सही है एंड इट वॉज बेसिकली मैं उसको स्टार्टअप टाइप चीज़ ही देखता हूँ ठीक है और वन आई वेंट आई टूक एडमिशन देर तो वो दो साल पुराना था तीन साल पुराना अच्छा तो अभी बेसिकली पाँच साल हो गए हैं उसको छः साल एंड दे स्टार्टेड फ्राम लाइक अ फ्लोर सिंगल एंड देन दे टू खोल बिल्डिंग एंड फिर एक और बिल्डिंग फिर एक और अब पाँच बिल्डिंग्स हैं एंड लाइक दे हैव एरिया है like उस की. So, so, so uh, जो मैंने वहाँ से मेरा की टी ए का वे था वो थी मेहनत एंड द डेडिकेशन उसके फाउंडर्स जो थे उनकी यहाँ एंड hmm. यंग थे हाँ मतलब रिलेटिवली यंग थे थर्टी ट्वेंटी थर्टी के दरम्यान तो so, मैंने और कुछ सीखा हो, होना हो लेकिन ये चीज़ वहाँ से जरूर सीख ली कि यार आपने एक जो चीज़ डिसाइड कर लिया मतलब आपको पता है आप, आप अगर जेहन में सोचें फर्स्ट कौन आता है फेडरल बोर्ड में फौजी फाउंडेशन से कॉलेज लेकिन यू सेट बिलीव कि लास्ट ईयर टॉप थ्री पोजीशन इनकी थी इससे पिछले साल आ, सेकंड पोजिशन इनकी थी अच्छा हाँ और बिल्कुल छोटा सेटअप है इनका और इमेंस लाइक इसकी जो पेस है ग्रोथ की वो आप देख के हैरान हो जाएंगे तो ये काफ़ी मेरा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पे पढ़ाई तो पढ़ाई होती रही मैं आई डोंट जो ग्रोथ मैं कह रहा हूँ नंबर्स कह रहा हूँ ना एफ एस सी में जब कहते हैं नंबर आते हैं हज़ार ग्यारह सौ उसमें तो मैं सॉर्ट ऑफ बिलीव नहीं करता लेकिन एक स्टैंडर्ड है मार्केट का उस, उन, उनको इसने अचीव किया हाँ तो आ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी फ्राम एफ एस सी आपने आई बिलीव मैकेल में दाखिला दिया वट वॉट दैट ओके सो मकैनिकल फ्राम मैंने यूनिवर्सिटी जाने से पहले जब मैं एफ में था मैंने एक बात रिलेस्ट कर ली थी कि एजुकेशन जो है ना इस मुल्क में समथिंग वेरी रॉन्ग ना राइट right. अच्छा आजाद चाय वाला नहीं वो तो काफ़ी देर बाद अच्छा <laughs> right. अच्छा तो मैं किसी और मसले की बात करूँ सो right. so, <coughs> मैंने कहा कि टॉप नॉच एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखने कि वहाँ पे क्या घोल के पिलाया जाता है क्या कर रहे हैं वो सो आई फर्स्ट ईयर के अप्लाइड इन अ विंटर प्रोग्राम लम्स में वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं टेन डेज़ का एंड आई वेंट देयर फुल स्कॉलरशिप पे उसमें उनका एम था कि जितने भी मॉडर्न डिसिप्लिन हैं बायोटेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग एस्ट्रोनॉमी एंड और उस पर लेके एक दो, दो दिन एलोकेट किए हुए थे एंड उन्होंने सारा वो दिखाया ना लाइक पूरे मुल्क में से हज़ार हज़ार पंद्रह एप्लीकेशन उसमें चालीस पचास मेरा ख्याल है उसमें सेलेक्ट हुए थे वो देखा मैंने फिर बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अभी एफ ए सी में हूँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड का एक प्रोग्राम था आ, समर प्रोग्राम टू वीक्स का उधर जाके देखा मैंने अटेंड किया भी फुल स्कॉलरशिप है तब पाकिस्तान में एक बच्चा गया था वो मैं था अच्छा इंटरेस्टिंग एंड हाउ डिड यू मैनेज टू मतलब आपका पोर्टफोलियो में क्या बना हुआ था पढ़ाई तो चलो है ही हाँ अच्छा उनके सामने लाइक जब आप, आप एडमिशन भी लेते हो ना यूके की यूनिवर्सिटी में दे डोंट कंसीडर एफ ना आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जाने के लिए तो वो तो कुछ नहीं था बेसिकली एक स्टोरी थी मेरी बस ठीक है स्टोरी यही थी कि ये मेरा बैकग्राउंड है शुरू में जो इंट्रोडक्शन होता है एंड देन इट वॉज के मैं एजुकेशन सिस्टम देखना आपका इधर पढ़ता हूँ इधर वॉज अ वीडियो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया लाइक वीडियो जो होता है वो सबमिशन तो वेस्ट वेरी वेरी रॉ लाइक आपको कोई ज़्यादा हाँ घुमाने पर आने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल और कोई और वीडियो मतलब बिल्कुल ऐसे घर में बैठ के कैमरे से बनी हुई थी ना फ़ोन से तो दिस उनको पसंद आ गई एंड देर लाइक आ जाओ फुल स्कॉलरशिप पे तो फिर आई वेंट देयर और वहाँ पे भी बेसिकली कंक्लूड ये हो गया कि रॉकेट साइंस नहीं है कोई बेसिकली एक सिस्टम है ठीक है और वहाँ पे पढ़ाई के अलावा यू हैव यू डू एक्स्ट्रा करिकुलर आप एक्सप्लोर करते रहते हो अपने आप को साथ साथ ये की टेक अवेज थे उस एक्सपीरियंस से तो अब आ गए हम यूनिवर्सिटी की स्टेज पे एक्चुअली जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट टू से एक दिन पहले मैं वहाँ से आया था अच्छा तो वहाँ से आया हूँ अगले दिन फिर यूनिवर्सिटी नहीं और ऑब्वियसली तो आपने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई तो कर दिया होगा पहले कर दिया होगा फिर आप गए होगे उसके अंदर अच्छा ऑक्सफोर्ड एज ए ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं किया मैंने वहाँ पर समर प्रोग्राम में हाँ मतलब आपने वो अप्लाई किया और तो लेकिन उससे पहले आपने यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई कर दिया होगा ना पाकिस्तानी अप्लाई किया था ऑक्सफोर्ड में पहले किया हुआ था फिर बाद में अच्छा अच्छा तो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में सिर्फ नस्ट में किया था अच्छा अब उसकी रीज़न ये थी कि जिस तरह मैंने पहले पहले, पहले बताया कि ये ये बात सामने आ गई कि सिस्टम होना चाहिए एंड और कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपके यार बाकी आपके आप अपने ऊपर है कि आप हाँ बहुत बेहतर है इससे लेकिन स्टिल तो अब पाकिस्तान में बाहर जाने का मैंने उसके यहाँ से कर दिया कट ऑफ क्योंकि आई था यर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ जस्टिफाई नहीं करता है इस चीज़ को वहाँ जाके अपने रहना खुद है आपने काम खुद करने बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो एंड ऑल दैट अब पाकिस्तान में फिर एक ही टॉप नाच नस्ट आती है और मेरा प्लान बिजनेस का शुरू से था सो आई वॉन्टेड सारे डिसप्लिन मेरी रीच में हो ठीक है बाई रीच आई मीन वहाँ के लोग भी और मैं जाके मैं जाके क्लासेज देता हूँ मतलब दूसरे स्कूल्स में ना हाँ। अभी रिसेंटली साडा से मैं वो बात कर रहा था कैचोड़ी से वो मतलब काफ़ी वो रिसेप्टिव लोग हैं ना प्रोग्रेसिव है हाँ। thele ka aaj ho khair ko tension nahi acha khair usse baad pe aate hain ha usse baad aate hain pehle so snash aapne identify kiya it's multidisciplinary it's huge the campus is good the life is good and so i'm sure all of those considerations must be there as well ke if i want a, 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 a 360 degree multifaceted experience snash is the right wo nstp important cheez thi isme kaafi theek hai lums kyun nahi aapne considering that lums also has sort of an nic there and nast me lums me i us program mein tech side वर्कशॉप really, नहीं थी लैब्स उस तरह की मुझे नहीं फील उनकी स्ट्रॉ हाँ, है हाँ. Humanity, जो उनके पास था काफ़ी दैर लाइक फिजिक्स से प्रोफेसर मुझे मिले थे वहाँ पर एक सभी उनका नाम था वो काफ़ी अच्छे जो उनके पास था वो लाइक टॉप मच था लेकिन प्रॉब्लम इज के वो स्टिल काफ़ी लिमिटेड सा था ठीक हो गया एंसर यू डिस ऑन लास्ट नाउ माई क्वेश्चन वुड बी के वैन यू आर डिसाइडिंग ऑन द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ मकैनिकल और इलेक्ट्रिकल और लाइक मेकाट्रॉनिक्स भी आई थिंक लास्ट में होता है So next, uh, EME. EME. में होता mm -hmm. है एंड देन कंप्यूटर साइंस यू नो ऑल ऑफ़ दीज आर फॉर एन एवरेज एफ एस सी स्टूडेंट चले आपने तो बहुत ही एक्सप्लोर कर लिया हुआ था बट mm -hmm. वो यही सोचेगा कि यार किधर जाऊँ एंड मोर ऑफन दैन नॉट वट आई हैव सीन एज कि वो एक स्टैंडर्ड होता है कि यार वो चाचू ने बताया था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कर लो एंड uh, उधर नहीं हुआ तो चलो सी एस में बैकअप <laughs> पे कर लेना और वहाँ पर चले जाना सो वट वॉज दैट वॉज इट मोर ऑफ ए रैंडम डारोर uh, okay. के मकैनिकली करना uh, नहीं सो so, ऐसा था कि मुझे शुरू से पता था कि मुझे मल्टी डायमेंशनल ओवरव्यू चाहिए हर चीज़ का ये डिसाइडेड थी बात शुरू से अब आगे जा के बैटल लाइक जो चॉइस थी ना वो सी एस सॉफ्टवेयर और मकैनिकल में थी वो इसलिए क्योंकि एक तो मैंने कर्नाटक में था मेजर आ, बैचलर्स में आ, इस पर भी आते हैं बाद में क्यों और दूसरा जब आप आते हैं ना मल्टी डायमेंशनल तो मैकेनिकल इज सॉर्ट ऑफ बहुत वर्सीटाइल एज अपोज टू बाकी सी में आप उसमें रहते हो इलेक्ट्रिकल में उसमें ही रहते हो मैकेनिकल में मैंने कोर्स के ना इंडिविजुअल वो आउट कंटेंट खोल के देखे ना वेबसाइट पर एक्चुअली मेरा वीडियो कि कैसे करना है अपने एडमिशन में अप्लाई मेरा यहाँ चैनल है यूट्यूब पे तो मैकेनिकल में आप ऑटोमेशन एंड ऑल से भी कर रहे थे बट उसमें कोर्स था इलेक्ट्रिकल पर भी था प्रोग्रामिंग पे भी था एक इंट्रो इंट्रो थे सब पे मैकेनिकल मकैनिकल पर खुद वो तो है ही है एंड देन आई रियलाइज़ कि ये चीज़ें मैं खुद भी सीख सकता हूँ hmm. अगर वो इंट्रो दे दें मुझे मैं घर में बैठ के ऐसे ही सीखा है मैंने प्रोग्रामिंग आ, लेकिन अगर मैं सी एस में चले जाता हूँ कांट काट हार्डवेयर तो आपको एक्सेस जब तक नहीं होगा तो आप कैसे करो सेम गो सर बिजनेस बिजनेस भी सीख सकता हूँ क्योंकि स्कूल है साथ मेरे एन बी एस है एन एस टी पी है और ऐसा ही हुआ मैंने सीखा मैं वहाँ पर जाकर और मैकेनिकल के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल की भी सो माई अंडरस्टैंडिंग इज के मैकेनिकल इज ह्यूजली मैकेनिकल राइट लाइक इट्स इट कैन हेल्प यू बिल्ड अ फॉसेफ यूर कार

एंड यू पार्टिसिपेट इन दो सोसाइटीज़ जैसे हमारी नस्ट की गाड़ी बनी है ना ई वी बना रहे हैं राइट right. तो अब उसमें सारे नस्ट के बच्चे अब उसमें चले जाओ तो जो है वो मैकेनिकल देख रहा है हाँ. उसका जो इंजन इंजन तो मोटर जो है उसको इलेक्ट्रिकल देख हाँ. रहा होगा right. like काम तो आपसे ठीक ओके मकैनिकल ओवरऑल मैके मेरे ख्याल में ओवर uh, थी और अब हमें नज़र भी आ रहा है मेरिट uh, जब हम आए थे हाई तब अब मेरे काफ़ी कुलीग इसी लिए आए क्योंकि मेरिट हाइस्ट है इसका uh, लेकिन अगर आप इसको इस तरह लेके चलो कि मैंने ये ये मैंने पढ़ना नहीं है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आगे मैंने पढ़ना है राइट right. बेसिकली कुछ भी हो सकता है कोडिंग एंड ऑल दैट तो उसके लिए बेस्ट है लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि इसी में मैं करूँगा आगे ख़ास तौर तो पर पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियर बन के मैं क्या गाड़ियाँ बना लूँगा या इस तरह के तो मतलब एम्बिशस होना चाहिए लेकिन स्टिल मुझे लगता नहीं इस तरह का Right, and then you mentioned. I mean, how would you rate your experience as a student? You uh, have one very funny Steve Jobs used to famously do that. If he wasn't enrolled, you're still enrolled, but <laughs> um, you're saying that you know you are you were able to go to different uh, schools and take different classes. So, first, question you those classes like active, full, full course classes, or you sporadically went and And then, second the question is, obviously, for you पाकिस्तान में एक मसला ये होता है पर्टिकुलरली हमारा ओवरऑल भी है यूनिवर्सिटीज़ में ये एक्स्ट्रा है कि बाहर आप जाते हैं ना तो वहाँ पर बहुत एक्सक्लूसिव एफर्ट डली हुई होती है पैसा का वॉल्यूम फ़र्क है तो टीचर जो है वो अगर एक क्लास पढ़ा रहा है तो उसको इतना पैसा मिल रहा है कि वो कम्फर्टेबल है पाकिस्तानी जो टीचर है वो बेचारा एक क्लास पढ़ा रहा है वो कहीं नौकरी भी कर रहा है तो उसको जब बच्चा आगे कहता है कि सर मुझे आफ्टर आवर्स पाँच मिनट दे दें दे 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 वो कहता है भाई घर जाओ टाइम नहीं है वो कुछ सवाल लेफ्ट राइट पूछता है वो कहता है यार बस मैंने तो डटा लगाया हुआ है तुम क्यों मेरे डटे से आगे पीछे पूछ रहे हो एंड Anything that is out of the box, like for example, when I was in fast, I used to be working for the world bank at the time. And I was, I had a full digital career as well. Um, and for the life of me, the, those guys could have, could never understand. Like they were like, ye hai. Mm -hmm. You know, and kya apna time kar raha And, and it, they weren't very receptive to the idea of you, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग इन अ मल्टी डायमेंशनर लाइक अगर मैं मीडिया में अच्छा हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और फास्ट का बिजनेस स्कूल एग्जिस्ट करता है तो आई कुड हैव डन ग्रेट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सेंटि अनालिसिस एंड सो हाउ डू यू सो मिक्स सोशल मीडिया वेथ दई टी साइड ऑफ थिंग्स बट वो इंकरेज इस तरह नहीं होता वो बस यहा है कि यार वाई डोंट यू मेक ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम वेरी ड्राई एंड वेरी उस तरह काम तो हाउ आर यू एबल टू ब्रेक थ्रू द ब्यूरोटिक हर्डल्स जो कि ऑन एवरेज पाकिस्तान में आते हैं एंड बी एबल टू कन्विंस के यार मुझे थोड़ा मेरा जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस होगा इट हैज टू बी डिफरेंट फ्राम योर एवरेज जो रोबोट्स आ रहे हैं बनने के लिए दिस क्वेश्चन इज सोन पॉइंट अच्छा और ऐसा होता है मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टैंड और मतलब मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा लेकिन एक में हुआ कुछ में लोग रिसेप्टिव थे कुछ में लाइक mm. बिल्कुल अपोजिट एंड ऑल दैट अब आपका क्वेश्चन है कि हाउ डिड आई ब्रेक थ्रू कोई एबसलूट आंसर नहीं मैं कहूँगा कंसिस्टेंटी थी बस मतलब right. तो मैं एक के पास गया उसने कहा बाय बाय डाटा ला ऑफिस दूसरे पास गया उसने मैं ये कहा तीसरे ने कहा तीसरा बस लाइक वाओ ऐसे लोग भी होते हैं पूछ तो रहा है कोई आके हाँ आज कल मीटिंग किया हाँ, मैंने एक एच से यह बस लाइक तुम पहले स्टूडेंट हो जिस तरह आके ना बात कर रहा है और जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगी ना हमारे लिए एंड शीड शीडिड और जहाँ तक बात है इन होने की हमारे वैसे ऑफिशियली माइनर्स ऑफर होते हैं यू कैन गो एंड टेक माइनर्स लेकिन उनका मसला ये है कि वो बहुत ही इंट्रो लेवल के होते हैं और वो फिर आपने पूरा सेमेस्टर मतलब मैंने लिया था इंट्रो टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो एक ही चीज़ आपने पढ़ी है पूरा सेमेस्टर वो भी लिया हुआ है लेकिन आई वॉज लाइक मोर ऑफ लाइक क्या आपने चीज़ सीख ली पता चल गया हो गया मूव ऑन मतलब hmm. एक्जैक्टली तो ये चीज़ लोगों को वहाँ पे नहीं समझ आती लेकिन कुछ को आ भी जाती है और ये चीज़ मेरे साथ हर जगह हुई है सी डी ए में ट्रैफिक सिग्नल ऑबियसली उनके साथ कर रहे हूँ और डिपार्टमेंट में यू गो एंड टॉक टू पीपल और कुछ लोग इनिशियली तो होता है जैसे दे लाइक बाय बाय फ़ोन मन कर सब बात करेंगे आपसे बाद में ना अच्छी बात है अला हाफि लेकिन कुछ पीपल लाइक द क्लिक मेरा ख्याल है मुझे नहीं पता है आप सिर्फ लगे रहते हो एंड आगे अल्लाह का काम होता है ये हो जाता है एंड इट है बट इट्स इट्स इनिशियली नहीं होता है बॉक्स वर्क आउट फॉर यू हाँ बिल्कुल I that? think that's the only thing जो कि इस पर मैं कहता हूँ यार ये सबको करनी चाहिए बेशक आपको डिस्क्रेज किया जाए आगे साथ क्योंकि डिस्करेज किया जाता है ना आपके दोस्तों ने नेता है? है यार पागल क्यों कर रहा है इन दिक्कत

तो मैंने कहाँ सुन लिया था कि <laughs> इंसान को वो काम करना चाहिए जो कि उसके उसके कैलिबर का है जिसमें उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रही है रेपटेटिव टास्क गाड़ी चलाना चीज़ें उठा के रखते ना रखते इंस्पेक्ट करना मैं मैं अक्सर फैक्ट्रीज के विजिट्स पर जाता था मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी उसमें काफ़ी काम लोग बस उठा के कर रहे हैं वापस रख दिए चेक कर लिए खराब है तो बार पाएंगे इस तरह के काम ऑटोमेशन राइट से हम स्टार्ट की हो गया अभी कैमरा शैमरा कुछ भी नहीं आया ऑटोमेशन इज़ लाइक जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ उस टेप उस पॉइंट पर ना मेरे जिन में था तो अब ऑटोमेशन से जब हम आगे गए तो लाइक थोड़ा मैंने ख़ुद से पढ़ना शुरू किया बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कि आपने कहीं से डाटा लेना है ठीक है उसको प्रोसेस करना है उससे फिर आपने कुछ एक्शन कुछ काम करवाना है वो क्या कहते हैं उस एक्चुवेटर जो मूव कराने तो ओके okay, ठीक है फिर धैन जस्ट एकदम से एक मोमेंट आई अवज़ लाइक कैमरा है इट आप देख रहे हो मतलब एक सेकेंड भी नहीं देखा मैंने वहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं काफ़ी सारी उसने मुझे इतनी इनफॉमेसन दे दी यहाँ पे लाइट पड़ी हो ए लगा हुआ है मोजम्मल बैठा है ब्लैक कोट सारा कुछ एक थोड़े से टाइम में दिस इज़ बेसिकली अ सेंसर इसको हम सेंसर क्यों नहीं यूज़ करते मैंने करना शुरू किया ना गूगल जिस तरह तो मुझे मिला नहीं ना कुछ पाकिस्तान में किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो बाहर तो कर रहे थे अच्छा तो वहाँ से फिर मैंने कहा करते हैं ना पढ़ते हैं इसको खुद करते हैं बिकॉज uh, मैं शुरू से खुद करने एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जरा हटके वो करा रहे हैं ठीक है लेकिन मैंने खुद करना भी अपना काम करा व्हाट्सएप सी जी पी है ठीक अच्छा, uh. है हाँ. अच्छा, उसी के लिए चाहिए <laughs> 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 <सही है. laughs> अच्छा. तो कर दिया वो कैमरे पे तो कंप्यूटर विजन लाइक इमेज प्रोसेसिंग पाइथन ओपन सीवी एंड गेट हब एंड सारा सा चीज़ें आती है वो पॉसिबल सारा घर में बैठ के घर नहीं हो रहा है गूगल एंड लैपटॉप और उसकी पॉसिबिलिटीज ऐसे खुलती जा रही हैं राइट एंड मेरे मेरे फादर भी इंजीनियर हैं और वो ऑफिस में ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं ना तो वो भी बताते हैं सर ये दफ्तर में मतलब हमारा जो मैनुफेक्चरिंग फ्लोर है उस पर ये हो सकता है वो हो सकता है क्यों नहीं क्वेश्चन आता है ना क्यों नहीं हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा मैंने स्टार्टेड डूइंग मैंने अकाउंट बना लिया फाइवर पर फ्री का कोर्स अभी आधा हुआ है मेरा वो क्यों बनाया मैंने क्यों उस कोर्स में असाइनमेंट्स थी ठीक है अब देखिए असाइनमेंट्स तो कर रहा हूँ क्यों ना किसी का मसल कर दूँ असाइनमेंट्स भी क्या थी आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है लिख रहे हो हाथ से लाइक वो कैमरा देख के आप मार्क करता जाए उसको एंड ऑल दैट तो मैंने बेसिकली फ्री में कहा कि आपको काम करके दूंगा अकाउंट पे ना और ये कोर्स क्या था ओपन सी का कंप्यूटर विजन का ठीक है और भी कोर्सेस थे लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट था बाकी भी थे काफ़ी सारे थे तो हाँ वैसे यहाँ पे वो बता देना चाहिए अगर कोई इंटरेस्टेड है ब्लीड ए आई ताहा कोई बंदे का नाम है इधर से ग्रेजुएट हुआ है पाकिस्तान से और उसने कोर्स बनाया वो बहुत उर्दू में अगर वो सीखना चाहता है तो ज़रूर सीखे उसको काफ़ी पॉसिबिलिटी well uh, जवाद और um, पॉसिबल

अचीव मैं ये करना चाह रहा था उस फ्री लांसिंग से कि मैं किसी का मसाज करूँ फ्री में करा था दो दो प्रोजेक्ट फ्री में किया ना तीसरे मैंने थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी उसने इजीली मान लिया मैंने और बढ़ाई फिर फिर और बढ़ाई एंड सरप्राइजिंगली वो लोग मान काम करवाए जा रहे थे उस पर उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरत है फिर अब ये अब इसके पैरल में कोर्स चीज़ शुरू हो गई है वो आ गया ट्रैफिक सिग्नल वाला काम जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं अक्सर मैं और दो स्टार्ट कहाँ से मैं मेरे दोस्त आते थे टेनिस खेलने इधर एफ नाइन पार्क में राइट right. तो सुबह ट्रैफिक नहीं होती तो सिग्नल आपको रेड लाइट दे के ना रोक के रखता है किसी तो किसी और को ग्रीन दे दिया ग्रीन यहाँ पे दिया हमें दो गाड़ियाँ पाँच सेकंड में निकल गई हमें तीस सेकंड में से ग्रीन दिया हुआ hmm. हम खड़े हैं साथ और खड़े है, और खड़े टाइम ज़्यादा सारा कुछ तो मैं <laughs> उसको ना बस कैसे मिस करा निकलते हैं तो गलत बात है नहीं करना चाहिए नहीं करना किसी ने तो वहाँ इसको like, सॉल्वेबल है डुएबल है गूगल क्या दुनिया में हुआ होगा स्कैट्स है? है अगर किसी को पता है स्कूट है एक सिस्टम ऑस्ट्रेलियन वगैरह तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता सर्च करना शुरू किया ऐप मुझे ओपन सी भी आती थी, थी उस पॉइंट तक कितनी कि मैं मैंने उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी ना खुद से बनाना शुरू की डुएबल like, है ठीक है फिर आ, एक और भी एक इंसिडेंट हुआ था साथ में ना मैं इधर था मरी रोड पर पिंडी में जो है वहाँ पर एक लियाकत बाग है बहुत रश होता है वहाँ पर तो सिग्नल तो बन था मेरे साथ एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उसमें से मुझे रोने की आवाज़ें आई जाए ना और कुछ कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सीधा ने रेड दिया अगर पुलिस वाला यहाँ कोई उतर के ट्रैफिक निकाल भी दे चले गया आहिस्ता आहिस्ता उसके तो दो तीन मिनट निकल गए तो फैसले की तो काफ़ी मसला बड़ा होता जा रहा है यार यहाँ पर इस वक्त इस वाले को जाना जरूरी है so let just बिल्कुल let them pass. और इतना एम्बुलेंस आपको पता है अगर आपको वो क्या हमारा कार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक बड़े वाला हो तो क्लॉट वाला जो होता है क्लॉट फंस जाता है आपकी वो वहाँ से ब्लड नहीं जा रहा आप। तो आपके डेड होना शुरू हो जाते हैं हार्ट के मसल्स बिल्कुल ऐसे ही और परमानेंटली डेड मतलब बाद में जो मर्जी करो वो रिवाइव नहीं होगा और वो प्रोसेस अगर मतलब मसल डेथ का प्रोसेस चलता रहे आपका अगर अभी हार्ट अटैक हुआ यहाँ से थर्टी मिनट्स फोर्टी मिनट्स मैक्स तो आपका हार्ट तकरीबन पूरा वो मतलब बंदा बेसिकली एक्सपायर हो सकता है तो ये मैंने देखा ना तो थर्टी मिनट्स तो यू नो मतलब ऐसे गुजर जाते हैं आपको अभी कुछ कैसे हो कुछ हो यहाँ पे एम्बुलेंस आए रिएक्शन टाइम एंड ऑल दैट वो जाएगी आएगी तो एक एक मिनट काउंट कर रहा है तो अगर हम एक सेकंड भी बचा सकते हैं उस जंक्शन पे तो इट्स अ बिग थिंग तो मतलब ये जब चीज़ होगी ना ये वाली चीज़ तो फिर दिस एक्चुअली टर्न इंटू समथिंग लाइक यार ये करना है मैंने सपोर्ट के क्या किसी मत ना मैं इसलिए जा रहा हूँ ये करने right. मतलब मुझे मैं अगर गाड़ियाँ वो ग्रीन होती हैं पे हैं टाइम वेस हो है पे वेस्ट हो रहा है पेट्रोल वेस्ट हो रहा है एफिशेंसी करूँ फलाना काम की बात अच्छी बात है लेकिन एक चीज़ होती है ना आपको कहती है यार एक सो करना पड़ेगा वरना really up, you know, के यार मैं लोगों की जिंदगियां किस तरह आसान ऐसे ही है? है और इमेजिन आपकी सॉरी आपकी एम्बुलेंस जा रही है आप आंखें बंद करके इमेजिन करें जब आपका रूट लगा होता है वो कोई जा रहा है इंपॉर्टेंट पर्सन एंड सारी गाड़ियाँ रुकी होती हैं उसके लिए एंड वो जाते हैं गुजरते हैं सो की स्पीड से लाइक देन यू ऑल ऑफ यू मूव तो इमेजिन वहाँ पर एक एम्बुलेंस हो और हमारा सिस्टम ऐसा हो कि एम्बुलेंस जिस रूट पर जाना है ना उससे एक मिनट पहले उसको ग्रीन हम दे, दे दें बाकी सब रेड हैं एंड लाइक like, वहाँ पर अनाउंसमेंट वहाँ पे बिल्ट इन सिस्टम वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि कोई मूव नहीं करेगा क्योंकि एम्बुलेंस आ रही है एंड जैसे ही गुजर फिर वो अपनी रूटीन पर चलना शुरू हो जाए तो तो जो वो जो बंदा जो पेशेंट है उसके साथ जो बंदा बैठा है अंदर उसकी दुआएं निकलेंगी देरी से कि यार हमारे लिए और आप एम्बुलेंस तो ओवर द स्पीड लिमिट जा सकती है एक जो रास्ता ने पंद्रह मिनट में कवर करना तो पाँच दस मिनट में कर रहे हो तो ये चीज़ जब हो जाएगी मैं कहूँगा यार पैसे ना पूरे हो गए इंटरेस्टिंग एंड सो यू बिगैट टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड इट वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक यार ठीक है मैं बस घर में बैठ के ट्राई करता रहता हूँ कोड बनाता रहता हूँ हाउ डिड यू कन्वर्ट दैट इंटू एक पर्सनल और उसमें मेरा सवाल प्रॉब्ली दो एरियाज़ में लैंड करेगा एक तो ये कि हाउ आर यू एबल टू कन्वर्ट पर्सनल प्रोजेक्ट पर्सनल क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट इन टू ए फॉर्म्ड स्टार्टअप उसमें आपको नस्ट हेल्प किया क्या था लाइक हाउ डिट जीवन थिंक अबाउट ओके लेट्स दिस एज स्टार्टअप, एंड दूसरा कि मोस्टली एंड मोर ऑफन दैन नॉट पाकिस्तान में इफ़ सम्मार्टू आइडेंटिफाई कि मैं हाई वैल्यू डॉलर बेस्ड काम कर सकता हूँ तो इट्स वेरी रेयर फॉर देम टू स्पेंड देयर टाइम सॉल्विंग लो लो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिटर्न प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान राइट बिकॉज यू आर सेटिंग देयर आप दिन में लाइट से चार घंटे जो है वो फ्री लांसिंग करते हो और चार घंटे जो है वो आप बैठ के लाइट्स इनके ऊपर आते हो और आई कहते हो कि यार मैं ना ये ट्रैफिक लाइट्स को सॉल्व करूँगा और फिर आप कॉल करते हो और आप कर लेते हो और आप कॉल करते हो सी डी ए सर सर <laughs> सर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है सर एट वन टें कॉस्ट सर और वो अगला कहते हैं भाई तू पागल वागल तो नहीं है मैंने कॉन्ट्रैक्ट निकालना है उसमें पचासवीं से तो मेरे भांजे के पास जाना है तू किधर आ गया उठ तो, so like के ठीक है तो सो यू जस्ट लाइक यार वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम डूइंग ऑल ऑफ दिस आई कुड डूइंग सो मच मोर एंड आई एम नॉट आई मीन दिस इज नॉट सपोज टू यू गैस नो मी दिस इज नॉट सपोज टू डिकरेज यू दी आइडिया क्योंकि वो कर लेगा इट्स इफ इट डन बिफोर इज लाइक दैट दर इज एन सर्टन इनिया देर इज वेल बट वट वॉज गोइंग ऑन इन योर माइंड के यार मैं अपना फील आंसर का डॉलर कॉम्प्रोमाइज करता हूँ क्योंकि मई आम श्योर डॉलर तो आ रहा होगा आपको एक ये तो एक दिस इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तान स्किल जहाँ पर आपको लैक है ये तो आई एम श्योर कि इस वक्त ग्लोबली जो है ना आपको ओपन सी वी यानी इस तरह भी की स्किल्स जो है, वो, पैसे हैं है बहुत पैसा है आप <laughs> it, यानी कि मुझे पता है कोई और लड़का होता ना वो कहता है कि जानी मैंने तो अपना सोच लिया है मास्टर्स के लिए बाहर जाऊंगा साथ साथ ये करूंगा लाइक इट्स एन इजी रोड आई कैन ई रीज री इमेजिनेट राइट आपने जर्मनी में अप्लाई करना है yeah. पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा वहाँ पर जाके मास्टर्स करोगे साइड पैसे आप फ्री करोगे तो उनके पैसा कमाओगे खर्चा <laughs> पाने आपका वहीं पर निकलेगा जैसे ही ग्रेजुएट करोगे नौकरी लगेगी इसलिए कौन वैली ऑफ़ यूरोप है आप वहाँ पर बैठ के जो है जी आउटीज ऑफ़ द वर्ल्ड एंड एंड यू नो यू यू बी वर्किंग विद द मोटि मोटिव सेक्टर और यू बी वर्किंग विद द यू नो मशीन लर्निंग सेक्टर एंड यू जिस यू टू सक्सेस

तो वहाँ से स्टार्टअप हो गया अब कैसे हुआ मैंने जी आ, मेरे फैकल्टी में थे हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था अब ये मैं पहुँच चुका हूँ सेकेंड ईयर के एंड पे फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर एक टीचर ने पढ़ाया था मुझे लगा काफ़ी इनकी एक्सपर्टीज़ हैं अपने वो सिंगापुर से पढ़ आए थे एच भी थे एक डिपार्टमेंट के एंड और उनके पास चला गया ऐसे क्या पढ़ाया था उन्होंने उन्होंने प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग तो उनके पास चला गया तो वो उन्होंने भी इसका स्कोप रियलाइज़ कर लिया आई डोंट डॉन्ट उन्होंने क्यों इतनी जल्दी एग्री किया कुछ देख लिया मेरे अंदर या वट उन्होंने कहा करो काम ना Uh, पैसों की टेंशन ना लो और इसके लिए आप, आप भी अब आप कंप्यूटर पर कर रहे हो ना उसको अब आपने लेके जाना है उधर रोड पे उसके लिए आपको एक प्रोसेसर चाहिए होगा हमारे केस में जेटसन नैनो है तीस चालीस हज़ार का आता है मेरा ख्याल है फिर कैमराज अलग आते हैं एंड ऑल दैट कैमरे कौन से इसमें यूज़ हो रहे होते हैं अभी अभी के लिए तो बहुत सस्ता त्रीन जो हमारे पास था ना वो आई पी कैमराज होते हैं ठीक है अभी टू मेगा पिक्सल लेकिन बहुत बेसिक प्रोटैप के लिए नाइट विजन भी इसमें होता है नाइट विजन होता है तो उन्होंने कहा करो काम तो पहला जो पुश वो था ना वो उसने मेरा ख्याल काम सारा कर दिया तो अब स्टार्टअप में चले गए फेज हम फेज़ में कब असल में इट गॉट रियल अभी हम हैं या अभी आप अकेले ही हैं आ, मेरे अच्छा मेरी टीम जो है ना पहले साल ऑन एंड ऑफ रही है मतलब मैं बीच में रहा हूँ कॉन्स्टेंट या एक दोस्त आपके साथ बाकी फिर आते जाते दो किसी का इंटरेस्ट बना फिर एकदम से चला गया उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट पड़ गया उधर चला गया फिर आ गया और ये आपके बैच के लड़के थे या ये अक्रॉस सोसाइटी वगैरह से आ रहे थे मेनली दोस्ती ही थे बैच में लेकिन और लोग भी थे इसमें ठीक है मार्किटिंग सोशल मीडिया और वो सॉफ्टवेयर की तो सीक्स में सो सीक्स इज़ और सॉफ्टवेयर का स्कूल जहाँ पे इलेक्ट्रिकली पढ़ाते हैं सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं इस तरह की चीज़ें ए आई एंड ऑल दैट तो वहाँ से भी लोग थे सो इट रियली अब जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं ना और लोग जिन्होंने जो कि आपसे आगे हैं जैसे हमारे सुपरवाइज़र मेरे फादर भी थे उनको भी एक इंजीनियरिंग और सीनियर्स वो जब आपको बताते हैं हाँ यार इसमें है पोटेंशियल कुछ कुछ उल्टा भी लोग बता रहे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा थे तो यू स्टार्ट रियलाइज के यार ठीक है हम सही खुश ट्रैक तो, right हाँ। तो सही हो रहा है हाँ। तो चलना शुरू हो गया अभी हम इस पर हम यहाँ पर इसको पिन करते हैं थॉट का दूसरा क्वेश्चन <laughs> क्यों भाई फ्री लांसिंग में पैसा आ रहा है क्यों छोड़ के इधर आ गए मतलब इतना आप समझ लें कि अब चलते फिर इतना सौ डॉलर का प्रोजेक्ट ईजिली मेरी टीम में जब वो कर लेते हैं मैं बस उसको वो कर रहा था हूँ इतना इतना ईजी है इसमें और उतना टैलेंट भी नहीं है अभी अवेलेबल सस्ता टैलेंट जिसे कहते हैं वेब डेवलपर तो आपको पता है ना इट चुको थे <laughs> तो वेब डेवलपर इस तरह आ गए अच्छा तो आ, इसका मेरा ख्याल है वो प्योर सेंटिमेंटल वैल्यू और एक ये कि यार अपने इधर रह के अपने लिए कुछ करना है अपने से मुलाद मतलब इस Society सोसाइटी सोसाइटी को अपना घर समझ के ना मस्त right. मस्ता होता है आप जाके खुद हल करते हो और वो हो जाएगा उसमें मज़ा नहीं आ रहा था पैसे कमाने में ना और मैं कमाए हैं थोड़े से महीना दो महीना मेरा ख्याल है तो मतलब फिर मैं इतना उससे मतलब आप इमेजिन करें एक तो मैं पैसे कमाना छोड़ रहा हूँ वो ठीक है मतलब फॉर इंस्टेंस मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है पाँच लाख ठीक है मैंने आप ब्रेक लगा दी वो पैसे कमाना छोड़ दिए अब मैं कर रहा हूँ ना प्रोजेक्ट पर काम तो जो पाँच से दस लाख होना था वो भी नहीं हो रहा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो पाँच उल्टा कम हो रहा है क्योंकि पैसे लग रहे हैं तो उल्टा नीचे जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं तो इसकी इतनी कॉस्ट आ रही थी उस टाइम पे मुझे बट टिल मेरा ख्याल है जब आपके जहन में ये हो कि यार नहीं मतलब मैं नहीं करूँगा तो क्या फिर ऐसे चलता रहेगा किसी ने तो करना है ना और जहाँ तक बात है कि मुझे मेरा शुरू से यार है कि यार अगर आपको मतलब शुरू से इस्टबलिश हो गया था यूनिवर्सिटी आते हुए मेरे जहन में कहीं से आ गया कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी पैसों की यू विल यू लीड यू विल स्टे अलाइव लाइफ आप रह लो की छत के नीचे और ऐसा हुआ है होता भी है और इज रीज़नेबल रह भी लूँगा तो वो तो टेंशन ही निकल गई जहन से तो बस उसके बाद ये था कि यार मसला सॉल्व करना है अपनी कम्युनिटी का पैसे आते हैं अच्छी बात है ना आया इतना आ जाएंगे मुझे पता नहीं मुझे नहीं पता किसने मुझे श्योरिटी दी है लेकिन मुझे श्योरिटी है कि हो जाएगा अल्लाह ताला ने ती यस वो है ना आपका रिस्क लिखा हुआ है तो अल्लाह ताला ने कह दिया हुआ है तो आई जस्ट कीप ऑन राइट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप दैन आपने कहा कि फिर आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया एंड दैन विल फास्ट फॉरवर्ड टू लेट्स ए मंथ गो आई थिंक द वीडियो वेंट लाइव और कितना ऐसा हुआ इस वीडियो को लाइव हुए हुए वीडियो जब आपने जब हाँ महीना भी नहीं हुआ उसको अपलोड हो गया ना हाँ जी महीना भी नहीं हुआ राइट सो गोइंग फ्रॉम ओके दिस प्रॉब्लम माइट बी सॉल्वेबल टू एक्चुअली शो के कि यार ये सॉल्व हो सकती है और आपने वो एटलीस्ट एक प्रोटोटाइप बना लिया है अर्ली um, प्रोटोटाइप बनाया है वर्किंग प्रोटोटाइप Um, उसमें उस ज़ाहिर है मैंने डे लाइट का तो हमें नज़र आ गया नाइट का आई एम स्टिल वो उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा बट एट लीस्ट इट्स रियली अबाउट कि अगर मेरा डे लाइट पर हो गया नाइट पर अगर वो नहीं भी कर रहा तो इट्स द क्वालिटी ऑफ द वीडियो और सम कम्पोन टू बी फ्लिप टू वो बट माई माई क्वेश्चन टू दैट इज़ वाट्स द नेक्स्ट स्टेप लाइक वाट यू लुकिंग एट नाउ ठीक है आपने ये कर लिया आपने उसको एक स्टार्टअप की शक्ल भी दे दी आपने उसमें एक सेट ऑफ टीम भी हायर कर ली Um, आपने ये भी कर लिया कि यार ठीक है आई आई थिंक बेस्ड ऑफ दस टी पी एस वेल एंड विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट बट हाउ्स वट्स नेक्स्ट वो लुकिंग एट वेन इट कम्स टू इन लाइट्स ओके सो हाँ हम फिर वहाँ इससे मैं कंटिन्यू करता हूँ जो हम अभी प्रोडाइप बना लिया ठीक है अब प्रोडाइप एक तो घर में बना था ना वो जो वहाँ पर डिप्लॉय होना था ना तो उसके लिए आपको अथॉरिटी से बात करनी पड़नी थी एंड उसके लिए वो आसान काम नहीं था अभी भी नहीं आसान ऐसे हुआ कि मैंने सेफ सिटी को अप्रोच किया ट्रैफिक पुलिस को किया रैंडम कॉल कॉल हाँ अच्छा नो रेफरेंस इज़ नथिंग सीडी को किया नाइन्टी परसेंट टाइम कैन गेस्ट क्या हुआ होगा अच्छा जी बहुत तो अच्छी बात है <laughs> राइट <laughs> तो बात आप कॉल करेंगे बाद में तो करते करते ना मैंने एक बड़ी की पॉइंट एक इसके की टेक एवे अगर इस एक्सपीरियंस से हो पीपल एक्चुअली केयर वेन यू हैव डन समथिंग ठीक है आप उनको बोलोगे ना फोन करके यार ये या आपका सिस्टम है ये मैं लगा दूंगा बड़ा मजा आएगा बड़े कम पैसे लगेंगे नहीं आपको ये लग गया है या ये मैं बना चुका हूँ ये देखो ना हाँ. जो कि इसको मैं बड़े अच्छे से इस बात की बात करता हूँ कि वॉट योर डूंगटिंग डिमांड राइट लाइक आप कहते हो कि यार लोगों को समझ नहीं आती मेरी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है वो रेड बुल आई थी ना पाकिस्तान में तो वो मुफ्त की बांटती थी, थी पूरी यूनिवर्सिटियों के कैंपस में आज आप जाए आपको कर में भी रेड बुल मिलेगी कि वो कह ही रहे हैं कि यार ए, अगर मेरी अगर मेरी प्रोडक्ट वाकई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना या तो वो शशक है कि एक फैंसी चीज़ है जो कि मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है बट वो शायद ना करे अगर वो वाकई सॉल्व कर रही है तो यू जस्ट हैव टू शो दैम फ्री ऑफ कॉस्ट कि देखें जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है और जब एक दफ़ा हो गई उनको चस्का चढ़ेगा और वो ऑटोमेटिकली आएंगे देर इज़ एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई व्हेन द वैल्यू इज़ देयर इवन द वर्स्ट ऑफ कस्टमर विल नॉट कन्वर्ट बिल्कुल तो तो दैट तो तो बड़ी अच्छी आपने बात बोली वैल्यू पे बात करेंगे कर हाँ, हाँ, हाँ। वैल्यू पर भी बल्कि जा रही है उस तरफ ओके okay, सो so, करते करते मैं अब इनिशली कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना मैंने कहा काम तो किया हुआ दिखा देते हैं ना हर्ज क्या मैं व्हाट्सएप पर ना उसकी एक वीडियो बनाई छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजना शुरू कर दी लोगों मैंने कहा आपको एक आ, आप अच्छा एक और भी की टेक बाद में आप यूजली बात करते हो सबसे पहले पी से है किसी के या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी के दे डोंट केयर या दे डोंट नो तो वहाँ पर अगर आपने इससे लाइक ब्रेक थ्रू करना है ना यू हैव टू पुट इन समथिंग के यार एक बड़ी चीज़ है हो रही है बिकॉज उनको ये टेंशन होती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो हमने अपने हिसाब तक ना पहुंचाई हमारी खैर नहीं है यूफ्ट मैशन शायद इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक प्रोजेक्ट है हम हमने स्टूडेंट है कर रहे हैं और हम बना चुके हैं ये और इनसे बात करनी है दिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लटी आ कर ट्रांसफ़र कर देंगे राइट right. वरना या हमने मिलना है उनसे बस दिल लाइक नहीं हज़ार लोगों ने मिलना हाँ, है हज़ार लोगों ने मिलना है अच्छा तो मैंने वो चीज़ बना के भेजना शुरू कर दी वो डालना शुरू कर दी कि चीज़ बन चुकी है उनको दिखानी है प्रोजेक्ट की मीटिंग करनी है इस तरह करके बात करें नहीं मिलना है वो नहीं अच्छा सो so, अब करते करते ना एक जगह से ना सी डी ए का डायरेक्टर है एक ट्रैफिक लाइट्स का उधर से मुझे टेक्स्ट आ गया उनका डायरेक्टर का ना उससे पहले मेरी फ़ोन बात हो चुकी थी उसने वही किया था क्या ना लेकिन अब उसने वीडियो देख ली वो राइट right. उसकी मुझे टेक्स्ट है ही कॉल आई नो आई फॉर भूल गया है। जो भी उसने कहा लेट्स है वह मीटिंग ना तो मीटिंग मैंने कहा ठीक है करते हैं गया तो चार पांच लोग और ही बैठे हुए थे अंदर लाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अच्छी बात है यंगस्टर सारी वो बात जुकानी होती है एंड फिर एंड पे फिर प्रोजेक्ट पे आए देर लाइक यार ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता मतलब उन्होंने माना हुआ था एंड देवर लाइक एक बंदा कर रहा था एक इनका डिपार्टमेंट है ट्रैफिक रिसर्च का ना एच एट में कहीं वो मर गया उसने कहा वो मर गया उसके बाद कोई नहीं कर रहा मर गया बेचारे एक्सीडेंट हो गया था ना कोई तो उसके बाद से मैं खुद चाहता हूँ ये काम हो तो इस तरह की बात मैंने कहा सर टेंशन क्यों ले रहे हैं हम करेंगे ना अब बस टीम है बंदे हैं काम आता है आपको दिखाया करके तो उसने कहा ठीक है करो और वो लाइक काफ़ी करने वाला बंदा था राइट right. कर गुजरने वाला मतलब कि करो यार काम होगा समझते ना uh -huh. तो उसका लाइक पैसे भी चाहिए मैं दे दूँगा मैंने कहा कैमरे चाहिए आ, कैमरे आप दें और लगा दें आगे का। काम कर लेंगे ठीक है उन्होंने क्रेंस भेज दिए कैमरे लगा दिए पैसे दे दिए कैमरों के सारा कुछ तो अब यहाँ पे हम प्रोटोटाइप के ऊपर पहुँच गया और अब बन के अब उसके बीच में ट्रांसफर हो गया अगला बंदा आ गया ओ माय गॉड अच्छा <laughs> लेकिन सरप्राइजिंगली uh, क्योंकि काम काफ़ी हो चुका था पॉइंट वो शुरू वाली बात आपने बता दिया हो कि वैल्यू ऐड हो रही है काम हो रहा है वो भी उतने रेसिप प्रोकेट कर रहा था हमारे साथ एंड ऐसे चलता गया एंड हमने अप कर दिया अब हम ये आ गए बिल्कुल लास्ट वीक पे ना अब बात आगे चल रही यहाँ से भी अब चेयरमैन सी और मेम्बर इंजीनियरिंग जो चेयरमैन के साथ बैठा होता है वे ऑफ प्रजेंटेशन नेक्स्ट वीक या इस तरह तो अब हम पूरे फुल ऑन इस्लामाबाद को अपग्रेड करने की किस वक्त बातें कर रहे हैं right. तो कुछ ऐसा है कि पहले हम भी एक करेंगे वो लाइक फुल ऑन चलेगा तो, अगर उसमें मसले हाँ, नहीं आए तो मिक्स हाँ।, हाँ और आधी प्राइस पे जो मार्केट में अवेलेबल है मार्केट so, okay? so में ये चीज़ अवेलेबल है अवेलेबल है और वो इंटरनेशनल है इंटरनेशनल है और पाकिस्तान में कहीं वो वाली प्रोडक्ट डिप्लॉय हुई है हाँ आपने सॉल्व किया लाहौर में है एक ऑर्गेनाइजेशन टीपा ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड पॉलिसी कुछ ऐसा उनको मिलियंस ऑफ रुपीस मिले थे इस काम के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत में और वो लाइक इंस्टेंटली इनको जो होता है ना क्या हमने लाहौर को जी वो कर देना उन्होंने वो किया था वो बहुत हेस्ट में हुआ था प्रोजेक्ट और पैसे भी लगे लेकिन उसके बाद में फिजिबिलिटी नहीं थी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सॉरी नहीं थी मेंटेन मेंटेन किसने करना है कभी वो टीपा के पास जा रहा है कभी सेफ सिटी के पास जा रहा है बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत वेग सा हुआ था हवावे के साथ करके उन्होंने हवावे ने आके सबलेट कर दिया कहानी मारी हुई थी बहुत अब ये मसला ये होता है कि ये, ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना जिसमें कंप्यूटर्स आ जाए ऑल दैट सीधी सीधी बात है एजेंसीज जो हैं सी डी है टीपा है एल डी ए आर डी आई दे कॉन्ट डू इट बस right. बात खत्म वो ये काम जिस कंपनी ने वो चीज़ बनाई है वही आके उसको मेनटेन करेगी वही चलाएगी मसला है वो ठीक करेगी और उसको अपग्रेड करना है वो वही करेगी राइट ये चीज़ इन्होंने कंसिडर नहीं की और उन्होंने कंपनी से कर लिया अब कंपनीज बाहर हैं राइट right. पैसे लेंगी ज़ाहिर आना हाँ। है पैसे दो और सी डी ए ने भी किया था ये उसने स्कैट्स लगा दिए स्कैट्स थ्री मिलियन का एक कंट्रोलर आता है इतना सा वो जो इतना वो, कोने पर नहीं पड़े होते हैं हाँ। कंट्रोलर सिर्फ उसकी इंस्टॉलेशन अलग मेंटेनेंस अलग सारा कुछ अलग और स्कैट्स एसेंशियली यही कर रहे होते हैं कि वो देख रहे होते हैं ट्रैफिक किस तरफ क्या है और वो उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे होते हैं स्कैट्स का सेंसर भी ज़्यादा लगना है स्कैसर वीडियो कैमरा है और जो लूप है वह ज़्यादा लगना है मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है स्कैट्स इज सिडनी कंट्रोल्ड एक्चुएटेड ट्रैफिक ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है तो दो जगह पे लगाया इन्होंने पता नहीं कब की बात है अब नहीं चले इसीलिए पैसे बेसिकली तो अब अब ये चीज़ हमने सीख चुके हैं इनसे क्यों मैं मीटिंग्स करता मैं ओ टीपा पर जाके मिला हूँ लाहौर इसके डायरेक्टर से तो अब ये इनसे हमने सीख के इनको जब हम देंगे तो ऐसा नहीं होगा सी डी आप ले लो ये लो जी हम हाँ। जा रहे हैं एक शाइनी टॉय हाँ। है जैसे होता है मतलब सरकारी में आपको जब वो लग जाए ना चीज़ चानी सी महँगी सी और तख्ती लग जाए वो काम खत्म हो जाता है वहाँ पर हाँ। करे ना करे वो अलग मसला है हमने ये नहीं देना उनको हमने कहा ना सिग्नल हम चलाएंगे हम आपको देंगे आपने आपने उसमें कि अपग्रेड करना है हमें बताएं आपने कुछ प्रोग्रामिंग में चेंज करना हम करेंगे सारा कुछ राइट right. तो ये फर्स्ट डिफरेंस जो पहले से अब अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना है पहले भी तो हुआ है अब क्यों हो जाएगा तो ये उसका मेरा आंसर होगा ठीक है पहला तो और आगे हम बात कर रहे थे स्टार्टअप हाँ अब इस स्टेज पे पहुंच के अभी ये है बेसिकली सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हम शुरू में बात कर रहे थे कि स्टार्टअप आगे किस तरह हो जाएगा तो हम एक कीजिए सरकारी पे रिलायंस फुली नहीं हो सकती हाँ, सरकारी कैन बी अ मींस टू एन एंड बट आई मीन सरकारी इज अ ग्रेट फॉर अ स्टार्टर पॉइंट बिकॉज दे इज देर एबल टू ट्रस्ट यू अगर आपका ब्रेक इन हो जाए बट स्केल के ऊपर फिर दस मसले आएंगे आगे एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू देम एज वेल सो और वो स्लो बोता है आप स्टार्टअप उतना स्लो लेगी अफोर्ड ही नहीं कर सकते मतलब मेरी टीम है महीना मुझे महीना इनसे मीटिंग कर रहा हूँ कभी डायरेक्टर से मीटिंग कर रहा हूँ डी से मीटिंग हूँ चेयरमैन से मीटिंग हूँ महीना लग गया राइट right. और नस्ट इन्वॉल्व है उससे भी मीटिंग चल रही है मेरा महीना टीम बैठी रही सही अब अब इस तरह हो रहा है कि दो पाइपलाइन हमारी चल रही है मेनली एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये वाला क्योंकि शुरू ही से हमने किया था और और इसमें पब्लिक फेसिंग भी है ना सो देयर देयर इज अ लॉट ऑफ एज़ वेल दूसरे भी साइड प्रोजेक्ट्स हैं वो छोटे है। मतलब महीने में, में खत्म हो जाएगा ठीक है आ, वो अब मेनली कैसे आते हैं जिस तरह मेरा फ्रीलांस का वो प्रोफाइल काफी बन चुकी हुई है वो क्लाइंट्स जो मेरे थे अब मेरी कंपनी के हैं तो इस तरह मैंने बताया था सीबैक एक कंपनी है पेट्रोलियम सऊदी कंपनी है दे नीड अ सॉल्यूशन हम उनसे अब इन लाइट्स की मीटिंग हो रही है हम उनकी चीज़ बना के दे देंगे छोटा बेसिक सा सॉल्यूशन है यार यहां पे बंदे ना हो डिटेक्ट करना है मशीन चल रही है मेंटेन हो रही है अब फलाना फलाना जुनी के साथ है तो उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स हैं या उसमें हार्डवेयर वो लोग मैनेज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर आप कर देते हैं जो हाँ। जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान वाले हाँ सॉफ्टवेयर हम करते हैं हार्डवेयर उनको बता देते हैं ठीक है ये तो जेटसन नैनो भी मेनली काफ़ी जी पी यू लगे ना उसमें तो बहुत ईजी है तो सेम गोज फॉर जूनी उनके डब्बे पैक हो रहे हैं वो महीने दो महीने का प्रोजेक्ट है चल दे रहा टीम लगी हुई है काम हो रहा है सीख हमारी मेन लाइट्स की कोर वैल्यूज़ में ऐसे है कि जब मेरे पास लोग हैं ना वो यहाँ से निकलें तो अपना स्टार्टअप करने काबिल का बिलट right. और कुछ सीख के जाएं मैं डिलिबरेटली बैठ के पूछता हूँ लोगों से टीम मेबर से कि आप क्या चाहते हो इस इस एक्सपीरियंस जो भी आपका होगा यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो मेरे साथ और अगर आप अगर आप कुछ भी गेन करके नहीं जाते यहाँ से तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूँगा अपने आप को आप करो ना करो तो इस तरह जो कहते हैं मैंने मार्केटिंग में जाना है वो कहते हैं मैं उसे मार्केटिंग का काम देता हूँ एज़ इन अभी यूनि लेवर से जितनी भी मीटिंग्स होंगी प्रपोजल जा रहे हैं आ रहे हैं प्रजेंटे हो रही है वो उसका अनिस्ट इसकी हम बात कर रहे थे mm. उसका काम है टेक्निकल का हमारा बंदा काफ़ी शार्प लोग हैं नस्ट में जाहिर है राइट right. तो मैं खाली अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वैल्यूज सेट जरूर से करनी चाहिए शुरू में कि क्यों कर रहे हैं और फिर हमने उसे अचीव क्या करना है इम्पैक्ट क्या होना है और हाँ। सारा होना है थोड़ा सा गैर टू इंजीनियरिंग बड़े दिमाग के साथ ये नहीं था कि बस रैंडमली के यार सुना है पैसा बढ़ाए एंड <laughs> मेरा बड़ा इख्तलाफ है मैं हर दफ़ा रिपीट करूँगा के आप लोग सुन सुन के तक गए होंगे आज तक हमारे टी वी डी कम्यूनिटी के ऊपर हालाँकि मैंने बड़ा पब्लिकली इस चीज़ को वो किया हुआ है लेकिन आज तक सवाल आताते हैं स्कोप <laughs> <laughs> मैं आपको दो लोग बता सकता हूँ अभी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एक में और के साहब सामने बैठे हुए मैं जो कर रहा हूँ पिछले बारह साल से बारह साल पहले उसका घंटा कोई स्कोप नहीं था ठीक है वो ये था कि यार ये लड़के जो है ना फेसबुक पे टाइम ज़ाया करते हैं और आज पूरा पाकिस्तान पॉडकास्ट बना रहा है तो आप देख लेंगे स्कोप बनाई जाती है स्कोप दी नहीं जाती और अगर आपने वाकई कोई दुनिया जिंदगी में कोई बड़ा काम करने का सोचना भी है और मैं बड़ा काम करने का ये नहीं कह रहा कि आप कोई पता नहीं मरीख कौकर करने चले हैं बड़े काम का मतलब ये है कोई वैल्यू ड्रिवन काम है समथिंग दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस तो वो स्कोप पे नहीं आएगा बिकॉज स्कोप इज समथिंग जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड यू विल बी जस्ट अनदर अर कॉक इन द मशीन इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग मुझे पर्सनली अहमद की कहानी बड़ी मजे की लग रही है आई वी एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व इन दिस वे बट वन ऑफ द रीजनज वाई आई रियली लाइक वॉट यू सैट इज बिकॉज यू आई लाइक टू नो मोर अबाउट हाउ योर माइंड एंडेड अप देर कि एज अ हाई स्कूलर मोस्ट पीपल आर नॉट एज क्यूरियस इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आपकी क्यूरियासिटी थी ना कि यार किस तरह होता है कैसा होता है मैं जरा देखूँ तो सही लाइक like, मैं क्यों बस बोल दिया कज़न ने बोल दिया चाचा ने बोल दिया चुप करके उसको मान लो आपने, उस आपने उसको चैलेंज किया आपने जाके उसको आइडेंटिफाई किया कि यार एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है मैंने क्या करना है यू you नो know, उस वो एक क्यूरियोसिटी थी और दूसरा आई थिंक एक एलिमेंट कॉन्स्टेंटली आपके अंदर था थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड एंड ट्राइंग टू डू मोर देन व लाइफ हैज़ ऑफर्ड यू राइट And I'm not एंड आई एम नोट गोनस एंड आई नो फोट ऑफ like लेसन लाइट आई डो नो वोट माई पैशन इज आई डो नो वॉट माई interests are, या yeah, मुझे नहीं पता तो मैं इस वजह से आंखें बंद करके scope का पूछ लेता हूँ because वो यार मुझे भी नहीं पता था इन भाई को भी नहीं पता होगा ऐसे और मैं शायद ऑनस्टली आपको बताऊँ कि आज से पाँच साल बाद ये क्या कर रहा होगा और मैं क्या कर रहा हूँ आज हमें भी नहीं पता टू भी ऑनेस्ट जो बंदा जर्नी पर जाता है ना उसको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता होती और वो ही मजा करती ये चीज़ क्योंकि आपका इंसानी दिमाग जो है ग्रो करता रहता है बड़ा होता जाता है तो आपको आप एक जनरल ग्रे डायरेक्शन तो बना सकते हैं बट यू कान भी हार्ड स्ट्रक ऑन दैट डायरेक्शन बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट थ्री ईयर अगो यू वुड नॉट एव इमेजन के आप यहाँ पे पहुंचे होंगे आप ढूंढते 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 आपने कहा ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लाइट तो यू you नो know, वो एंड करते करते आप एक जगह पर पहुंच गए सो आई थिंक ये जो स्कोप वाली मैंटेलिटी है उससे हटें और थोड़ा सा कम बैक टू मोर ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू ड्रिवन मैंटालिटी एंड वहाँ से मैं सवाल आपसे पूछूंगा आपने इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में इंजीनियर्स आर डायम अ डजन

एंड ऑल्सो देर आर लॉट पीपल दर आई नो हु इंजीनियरिंग बट द्रेजुएट एन देर लाइक के यार फिर वो पता है काम पे लगे और uh, मैं आज आपको बताता हूँ आई है विद समी एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टेलीकॉम के अंदर एंड लाइक के मैं ग्रेजुएट किया और मैंने उसके बाद नौकरियों में अप्लाई किया और फिर जब मैं गया तो वहाँ पर एंड आई नो दैट मार्केट इज रियली बैड लाइक बहुत गम पेज हैं निदे और उनका बात करने का स्टाइल है और ये और वो तो तो, तो ये बस डीमोटिवेटेड मोटिवेटेड बस लाइक है कि मैंने कहा यार मिस कराओ मैं एक डिफरेंट फील्ड में निकल गया और ये बहुत प्रेविलेंट है कि इंजीनियर्स आर नॉट इन पाकिस्तान इंजीनियर्स आर जॉबलेस इंजीनियर्स आर नॉट फाइंडिंग वर्क इंजीनियर्स आर नॉट बीइंग एबल टू बिल्ड एनीथिंग एंड मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि यार इंजीनियर तो होता ही प्रॉब्लम सॉल्वर है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके मैकेनिकल का तो शायद बहुत थोड़ा कंपोनेंट है आपके काम राइट एंड सो इफ आई वर टू आस्क यू के हाउ डू यू सी द इंजीनियरिंग क्योंकि आप तो हैं आपके साथ के बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट कर रहे होंगे आपने तो इन लाइट्स का धंधा अपना कुछ ना कुछ सिस्टम सेट कर लिया है <laughs> बाकी आपके ख्याल में क्या कर रहे होंगे यू नो लाइक हाउ वट यू से टू फेलो इंजीनियर्स दे से यार स्कोप नहीं है मार्केट में जॉब्स नहीं है मार्केट में हाउ डू यू परसीव इट दिस इज क्वेश्चन सो ऑन पॉइंट मतलब तो मुझे समझ नहीं आई तो पाँच घंटे तक जा सकती है, हमारी बात <laughs> तो शुरू वाला जो सवाल था आपका कि हाउ डिड इट हैपन ये मुझे भी नहीं पता था मैं एक पॉडकास्ट से पहले भी जा चुका हूँ दस दिन पहले जिम कास्ट उसका नाम है नस्ट की बेसिकली लोकल थी पॉडकास्ट से अपने वो ना दोस्तों के अभी स्टार्ट हुई है लेकिन इन अच्छा तो आ, मेरा ख्याल है इट ऑल हैपन मेरे घर में जो बातें होती थी Uh, क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे एंड एजुकेशन सिस्टम उन्होंने मेरे अंदर डाल यार मतलब ही वॉज़ लाइक कोई टेंशन ना लो इसकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है जब मैं क्लास में अटेंडेंस की बात हो रही है टाइम बचाने की बात हो रही है या मैं जब टेंशन ले रहा था होमवर्क करने एंड ऑल दैट इस तरह की चीज़ें ही वॉज लाइक एग्ज़ाम पास करो बस और कुछ नहीं सिर्फ एक एग्जाम आएगा लाइक एक एग्जाम आएगा एन नस्ट का नहीं नस्ट का नहीं लाइक एन टेस्ट आएगा किसी यूनिवर्सिटी जाओगे ना उसमें पढ़ना है सिर्फ हाँ। और मैंने पूरी जिंदगी में वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है एंटी टेस्ट के लिए नेस्ट एन, का वो भी तो तो वहाँ से ही था कि यार एजुकेशन और आपका ये अल्टीमेट गोल नहीं है डिग्री लेना पढ़ के एंड वो सारा करके स्कोप फाइंड करके फिर वो जॉब वो वो शुरू में ही था।, यह था कि आप देखा करो चीज़ें कैसे चलती हैं मसले कैसे हल होते हैं वो हमारी डिस्कशन होती थी, थी। मतलब बाबा हर चीज़ में निकालते हैं यार ये ऐसे भी तो हो सकता है क्यों कर रहे हैं ऐसे मतलब अच्छा वो सरकारी अफसर हैं तो वो ना मतलब वो बातें ऑन पॉइंट करते हैं लेकिन इन एंड दिए नाइन्टी फाइव जॉब है उनकी वो नहीं कर आगा, सकते आगा, यार ऐसे भी तो हो सकता था क्यों हो रहा है ऐसे मतलब इस तरह की बातें मुझे वो होता था यार इसको कर सकते हैं तो फिर मैं उस रिसर्च करता था और मतलब वहाँ से वो सिस्टम शुरू हो गया अब आगे चलते हैं फिर हम इंजीनियरिंग की तरफ ना यार आपने पूछा कि काफ़ी सारे इंजीनियर्स एंड स्कोप पहले कुछ नहीं स्कोप पे आते स्कोप किसके हैं स्कोप आज से बीस साल पहले पेट्रोलियम का मेरिट बहुत ज़्यादा था मेरे टाइम में मैकेनिकल का बहुत में, में दस साल पहले टेलीकॉम का बहुत टेलीकॉम का था।, था आज सॉफ्टवेयर दो सौ मेरिट पहुँचा हुआ है मतलब दो सौ का मतलब है कि आप जितने बच्चे आए हैं ना उसमें से जिस चीज़ ने सिलेक्ट किया ना सॉफ्टवेयर टॉप में से डेढ़ सौ का बैच है दो सौ मेरिट है क्या मतलब है इसका मेरे मेरे टाइम पर टॉप मोस्ट मेरिट मैकेनिकल का था और फोर हंड्रेड था तो दो सौ है तो इतना ज़्यादा हाई पीक पर है ना तो स्कोप तो इस तरह बदलता है अब और मेरे जितने दोस्त हैं मतलब आई वॉन्ट के मतलब हमारी इस तरह की बातें होती हैं यार वहाँ पे इंटर्नशिप टक गई अच्छी बात है जॉब हो रही है और आप वैल्यू ऐड कर रहे हो ऑब्वियसली लेकिन मैं मैं चाहता हूँ मैं ऐसे लोगों से मिलूँ जो कि बात करते हैं कि यार ये देखो ये मसला है ये अब नेक्स्ट यूनिकॉर्न हो सकता है हम बना सकते हैं यूनिकॉर्न हम हाँ, बना सकते हैं हाँ. हम स्टार्टअप कर सकते हैं एक शुरू आपकी बात ठीक है कि नहीं है लेकिन अब आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्यों है ऐसा आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक अ कल्चरल चीज़ ना आप आ, मतलब आपकी एक ट्रेनिंग ही एफएससी का बच्चा मतलब मेरे एफ एस के बच्चे उनके पास ऑप्शन क्या हैं इंजीनियर डॉक्टर आप बहुत अच्छे हो जी इंजीनियर डॉक्टर हाँ. क्या फिर फौजी हाँ. बस अब उसके बाद क्या हो सकता है अबू का बिजनेस हाँ. मैं कोई जो सिंपल दो यार दोस्त है मिल के कुछ हम ढाबा खोल खोलने होटल रेस्टोरेंट इस तरह रियल एस्टेट एस्टेट <laughs> अच्छा रियल जो है अच्छा गिल्टी मैं भी इसका लेकिन खैर तो ये ऑप्शन हैं अब अब में आपने बच्चे को डाला ही हुआ है कि तुमने हजार नंबर लेना आगे की बात नहीं हो हाँ रही तो होगा फिर यही ना इन दी एंड पॉइंट इज कल्चरल चीज़ है अब जब आप यूनिवर्सिटी आ जाते हो मसला ये है कि अब यूनिवर्सिटी आ जाते हैं ना उसको चेंज फिर भी नहीं किया जाता ना हाँ। वो चले जा रहा है आगे लाइक टेक्निकली यूनिवर्सिटी शुड इनकलकेट दो वैल्यूज राइट लाइक वो आपको मेचोर करना चाहिए मेरा पॉइंट इसमें बेसिकली आपको बड़ी अच्छी बात बोली आपने कहा मेरे वाले आपके वाले साहब जो है उस तरह से सोचते हैं मैं भी बड़ी दफ़ा सोचता हूँ मैं आपको बेसिकसी बताऊँ मेरे लिए इंजीनियर इन पाकिस्तान शुड नॉट बी जॉबलेस उसमे सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं है उसमें uh -huh. आप जो आप प्लम्बिंग में जाते हो आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो चलते हैं पाकिस्तान का इंजीनियर जो है वो पता नहीं कोई मैजिक को, कोई मैजिक पिल का वेट कर रहा है हालांकि ये सुबह शाम का धंधा है ये सुबह शाम घर बन रहे हैं तारे बिछ रही हैं हम वही जो 1960 में जैसे डलती थी आज भी उसी तरह डला रहे हैं तारे ठीक है उसका बेहतर देर आर बेटर बेटर सिस्टम्स टू तो बी डिज़ाइन ऑन हाउ वायर्स कैन ट्रेवल अक्रॉस आवर वॉल्स देर आर बेटर हमारे ना एक सोसाइटी का एक अजीब सा वो है कि मुझे याद है मैंने अपने ना घर की जब डेनोवेशन करवाई तो दो स्विच लगा रहा था बंदा आया उसने आके अंदा धोखा ठक 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 मार के तो वो काटते हैं ना पूरा पाइप डालते हाँ। करके लगा के चला गया पेंट पुंट हो गया दो दिन बाद वापस आया देखा तो एक स्विच यहाँ लगाया ना एक स्विच यहाँ लगाया और मैंने कहा यार ये बहुत बेसिक सी चीज थी लाइक तुम्हें एक एक धागा लगाना था और देखना था कि यार ये एक एस्थेटिक वैल्यू है राइट आप इंस्टाग्राम पे जाते हो आप बाहर के मुल्कों में जाते हो एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल आप यहाँ पर होते हो तो सी वाला वो फुटपाथ चला रहा होता है दरमियाम में कहता है थोड़ा सा लेफ्ट हो कहीं करो यार क्यों यू नो लाइक डैट थोड़ी सी बेसिक सी सेंस है और वो वजह उसकी है कि जो हमारा एजुकेटेड तबका है mm -hmm. मैंने ये नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ़ द दर्डनरी वर्क विच सीमिंगली इज़ ऑर्डनरी वो उसको कंसिडर ही नहीं करता कि यार मुझे इसमें भी घुसना है मैं इसको हाँ. भी बेहतर कर सकता हूँ हमारे ना ये बड़ा एक एलिमेंट है कि क्या काम क्या धंधा रिस्पेक्टेबल है Hmm. और क्या धंधा इस बिनीत में हालांकि प्रॉब्लम तो हर किसी की है और जो बनीत भी वाली प्रॉब्लम्स है ना दे आर द प्रॉब्लम जो कि अगर आप सॉल्व करना शुरू करो लोग क्यों करके आपके पास आएंगे क्योंकि वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम है और हम एक्सपेक्ट करें मैंने मैं तो बड़ा अजीब सा लगता है इंजीनियर्स आते हैं आके वन ऑफ़ द रीजन वाई आई 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 यू नो गॉट इन टच विद यू एज वेल बिकॉज यू आर इनहेरेंटली सॉल्विंग अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम राइट ट्रैफिक लाइट सिग्नल मुझे याद है मैं 2011 में अमेरिका गया था और वहाँ पर आई वाज इन एटलांटा मेरे भाई वहाँ होते हैं तो ये हर हर सिग्नल में ये था आप जाते थे रात को अगर लेट नाइट लाइक लेट नाइट आपको इशारे पे रुकने की कोई सेंस नहीं है क्योंकि आप एक गाड़ी होते हो तो आप जैसे ही जाते थे इशारा आपके लिए खुला होता था हाँ। आप आगे निकल जाते थे, थे। आम, बट पाकिस्तान में वो नहीं था और पिछले बारह ग्यारह साल हो गए मैं वेट कर रहा हूँ कि यार कोई बेवकूफ़ आएगा और आके उसको सॉल्व कर देगा नहीं कर पा रहा एंड देन इस तरह के हज़ार मसाइल आपके इर्द गिर्द हैं कि यार इज़ देर अ बेटर डोर टू बी डिज़ाइंड इज़ देर अ बेटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू बी डिज़ाइंड इस देर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्लम्बिंग हमारी हो रही है क्या वो अच्छी हो रही है बुरी हो रही है ऑनेस्टली लाइक सुबह शाम के काम है मसला ये है जो मुझे जो मैंने आपसे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले किया कि हमारा इंजीनियर जो है ना वो लकीर का फ़कीर बहुत ज़्यादा बना हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैदा नहीं हो रहा वो कह रहा है कि मुझे उस किताब में उन साहब ने उस कोर्स में ये पढ़ाया था तो मैं उसको कहीं पर अप्लाई करने के लिए मुझे बता दो कहाँ अप्लाई करूँ नहीं सोचा कि यार उसने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा मुझे असेंबली पढ़ा दी मैं वेट करता रहा कि मेरे से कोई असेंबली में आके कोर्ट करवाएगा या मैं फंडामेंटल अंडरस्टैंड करूँगा और मैं कहूँगा कि यार असेंबली तो दूर की चढ़ी गई अब मैं पाइथन पढ़ूँ आगे चीज जो भी वट आई नीड टू डू To get the job done, but the core idea is, as an engineer, I'm equipped, or as a as a computer scientist, I'm equipped mm. to solve real world problems. And to say that there are no jobs in a country that is developing, sir, there are. Bevakufi. Bevakufi, <laughs> na. डेवलपिंग कंट्री में तो प्रॉब्लम है डेवलप्ड तो प्रॉब्लम्स ही आदि खत्म हो चुकी हैं आप आज जो बातें मैंने करनी बिल्कुल आप ही कर रहे हैं और आपने बीच में बात की कि वो जो बात हम समझते हैं कि ये हमारे बिनित है हाँ। ये एग्जैक्ट बात मैंने लिख हुई और बोलनी थी आपने बोल दी है सॉरी यार और नहीं मैं आप बहुत अच्छा किया आपने याद करा दिया मैं ऐड एड ये करना चाहूँगा कि मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड हमारे जो मैं मैं ये स्टार्टअप ना कॉम्पिटिशन में लगेगा और ये विनर है फिक्स फिक्स नस्ट का इज अ ग्रैंड इवेंट नस्ट नहीं होता उसमें नस्ट के सारे कैंपस कॉम सेट्स और भी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल सो बहुत ग्रैंड इवेंट होता है इसमें पूरी लाइक स्टेजेस होती हैं इसके पूरा साल का इवेंट होता है दे एक्चुअली फंड यू टू मेक प्रोटोटाइप्स एक होता है ना विनर को प्राइज दे रहे हो प्रोटोटाइप बनाने की फंडिंग नहीं देती है इतना बड़ा इवेंट है तो इस तरह के इवेंट से पार्टिसिपेट किया कोट फॉर पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया तो जो चीज़ मैंने हर जगह ऑब्जर्व की वो ये थी कि जो टेक्निकल फैंसी वर्ड्स है ना ए आई क्या और होते हैं यार वो डीप लर्निंग uh, हाँ, हाँ, है है, <laughs> जी मार्केट <laughs> तो दे एक्चुअली लाइक है उनको थोड़ा सा मिल जाता है वो और जो इस तरह के जो रियलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना यार जाके मैं लगा सकता हूँ अभी हाँ देर लाइक अच्छा ठीक है ये तो ये तो कोई भी कर सकता कोई है भी कर कोई सकता कर नहीं रहा <laughs> है। आपने बात की ना कि मैं देख मैं बारह साल से वेट कर रहा हूँ अगर करे कोई कर क्यों नहीं रहा वो सारे ही कर रहे हैं सारे ये वेट कर रहे हैं <laughs> कर नहीं रहा मसला ये ऑन में मेरा घर है मैं इसको समझूं कि मैंने जाके करना है वरना कोई नहीं करेगा हाँ <laughs> आपके घर में होता है ना आप मैं अगर आप, आप पांच बंदों की फैमिली हो कुछ टूट जाए मतलब तो मेरे घर में पानी भरना होता है कूलर में या वट मैं कहता हूँ अगर मैंने नहीं किया तो मुश्किल है कोई करे तो जा कर देता हूँ ये चीज़ें तो हम ऑन नहीं करेंगे ना हमारी यूथ नहीं ऑन करेगी कि ये मैंने नहीं किया मेरा मुल्क है जो ये निकल गए ना जनरेशन जो बैठी हुई है अभी अफसरों की कुर्सीियों पर लाइक फोर्टी प्लस एंड थर्टी फिफ्टी प्लस वो कर गए अपना काम मैंने नहीं किया मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया तो उन्होंने नहीं करना तो आपने एक निचली बात की थी कि ये चीज़ कैसे इनकलकेट हुई ना कि ये आज टर्न्स ऑफ इवेंट्स क्या थे कि यहाँ पे हम पहुँचें तो उसमें एक चीज़ डालनी थी तो मेजन से निकल गई कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको फर्श और यह आंसर नहीं दे सकता कि बाकी क्यों नहीं कर रहे लेकिन ये तो मैं बता सकता हूँ कि जब मैं सोचता हूँ कि क्या इवेंट्स हुए थे जिन्होंने लीड किया यहाँ तक तो उसमें मुझे कुछ बातें याद हैं जो कि मैंने छोटे होते सुनी थी या किसी की कोट्स सुन लिए वो बैठ गई अंदर जाके Hmm. जैसे कि आपको वासिफ वली वासिफ को शायद मेरा ख्याल पता आ, अच्छा सी इज़ बेसिकली अ पॉइट टाइप थिंग ना आ, तो उनके एक मैंने बेसिकली बंदा नरेट कर रहा है उनका वाक्य वासिफ वासीफ सिटिंग चाय पी रहा था बैठ के वो बंदा उसके पास एक बंदा आया दूसरा और आके गपशप मारी क्या होती है गपशप मानी शुरू हो जाती है जी वो उसने करप्शन कर ली और ये पैसे खा गए इसको प्राइम मिनिस्टर नजर इस तरह की और ये इसने जी पे इतने पैसे लगा दिए हैं काम इतने में हो सकता था पॉलिसी इनकी ख़राब वो और होना शुरू जैसे आर आर कहते हैं हाँ। <laughs> तो उन्होंने सुना ना एंड पे वासिफ ने कहा उसकी बात सुन के यार आप जाके अभी कुछ कर सकते हो इसके लिए मस्ले गोल के लिए उसने कहा नहीं बात ही कर सकते हैं अभी मैं इस पर उसने कहा अच्छा पियो फिर चुप करके बैठ के कर सकते हो तो कर लो जाके हाँ। <laughs> तो वो बात वो फंस की ना दिन में कि यार क्यों वाकई मतलब That are beyond your control, आप क्यों जाया कर रहे हो हाँ और आप बात करो बात क्यों करो जाके आप करो यार ये चीज़ें हो बात ऐसे मतलब यही बात ही ना करो आप उसके आ, आ, हल करने के लिए बात करो जाओ प्रेजेंटेशन दो यार ये मसला है मैं ऐसे हल कर सकता हूँ करना है तो करो वरना रोना क्यों डाल रहे हो हाँ इतना हाँ, आपका मसला है तो करो जाके मसला अगर हाँ, आपको इतना है तो सेम गोज फॉर एक एक बात और भी है मोटिवेशन ना आप इलाम मस्क का तो मैं हल पता होगा सबको सो वो उसका प्लान जो है स्पेस एक्स का इन्वेस्टर उसका आया ना उसके पास इन्वेस्टर्स लाइक मैंटोर और लोगों का भी उसका दस लोग और भी थे स्टूडेंट्स तो उसने आके मस्क को कहा कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं आपका प्लांट विजिट करना चाहते हैं और इनको ना मोटिवेट करो मोटिवेट मोटिवेशनल स्पीकर वाला तो मस्क मस्क ने कहा कि अगर आपको कोई काम करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए ना स्टार्टअप या ऐसा तो ना करो क्योंकि अगर इतना इंटेंसिव काम है आपको एग्जॉस्ट और सारा कुछ जब तक आप खुद आपके अंदर ड्राइव नहीं होगी कि आप खुद उठो सुबह और आपको यार ये करना है अगर आपको खुद उठ के साहब हो कहे यार आप वेट करो किसी के कहने कोई आपको आपको आपके अप्रीशिएट करे कोई या कहे बहुत अच्छा काम आ, करो चीता है तू यार अब करोगे आप हाँ। ना करो इसे बेहतर क्योंकि आपने फेल करना है और ये बहुत मजे की बात है बिकॉज पाकिस्तान पाकिस्तानों के हमें इंक्रेज नहीं किया जाता है एग्जैक्टली गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती यार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आई मीन वेरी ब्यूटिफुल्फ्लिकॉइंट व हमारे नौजवान या तो इस मुल्क को तबाह कर देंगे हाँ। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि अगर वो कुछ ना करें ना तो ये मुल्क अनलिबल होगा बीस साल बाद या वो इस मुल्क की तकदीर ऐसे बदल देंगे कि हमारे ख्वाबों में भी वो मुल्क नहीं होगा <laughs> और उसका तरीका <laughs> कार तो ये है कि यार अगर आपने अगर आप ये बात मान लेते हो मैं तो ये बात मानता हूँ कि हमारे बड़ों ने हमारे बड़े जितना भी हमें कहना आप बुरे आप ये आप वो तो मेरा सवाल हमेशा से ये होता है कि सर आपने हमें मुल्क क्या दिया राइट right? आप कहते हैं कि ये ऐसा हो गया हमने तो नहीं बनाया ना हम तो छोटे थे जब ये सारी तबाही मच रही थी तो ये तो बड़ा क्लियर है कि यार आपने यू डिड नॉट डू एज गुड एज यू नो यू यू हैव द मॉरल हाई ग्राउंड बट इफ आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मोटिवेशन ऑफ द पीपल हु स्क्रूड अप द कंट्री दैट इज द डम आई कैन डू राइट आई नीड टू डिसरप्टर वे ऑफ हाउ आई अप्रोच प्रॉब्लम एंड आई नीड टू कीप ऑन फाइटिंग अच्छा फाइट का मतलब ये नहीं है आपने रेवल्यून ही लेकर आनी है आप अपने स्ट्रीट्स में जाकर कतलो करारती करनी है फाइट करने का ये भी तरीका है कि यार मैं प्रॉब्बम सॉल्विंग करूंगा और मैं करता रहूँगा और तो मुझे जितनी दफ़ा मना करोगे मैं तब भी करके दिखाऊंगा और जब मैं कर लूँगा तो तुम तो आगे तालियां मजा रहे हो तो मैं कहूँगा आई टोल यूस यू राइट एंड एंड दैट इस ब्यूटी ऑफ द फाइट क्या आपको चैलेंज जब मिलता है तो आप उसको जाएगा करते तो हो बड़ी मज़े की बात है कि मोटिवेशन लाइक दिस इज़ ऑल जस्ट इनवेलिवेंट हम हमें सपोर्ट दें हमें ये करें हमें वो करे आप करने वे होने मैनेफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल जो कि ऐसे ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं हम तो बहुत स्टिल फैमिली um, ऐसे ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं गाँव से बैठ के यूनिक एंड इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं उनको तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था बट देवल टू डू इट um, सो so वही वाली बात है कि इट्स इट्स रियली जस्ट अबाउट अ माइंड सेट एट दिन उद्रे बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने मेरे एक और बात चुरा ली वो जो कि आखिर में किया आपने <laughs> कि हमें मोटिवेट नहीं करते और मुझे रोकेंगे मैं फिर करता रहूँगा ये बात मैं बोलने लगा था <laughs> <laughs> अच्छा बट इट्स इट्स रियली रेयर टू मीट लाइक माइंडेड इंडिविजुअल मैंने शुरू में बात की कि मुझे मिलते नहीं ऐसे लोग हाँ. तो अब मेरे दिन में एक और बात आ गई बिल्कुल इसी टाइम पर कि मैंने शुरू में बोला ना कि मैं ये नहीं बता सकता कि आप कैसे करेंगे लेकिन एक एक फ्रेमवर्क तो दे सकता हूँ आपको सोचने का हाँ। कि अच्छा इसको आई ब्रेक डाउन लेयर बाय लेयर ठीक है लेयर बाय लेयर के मेरी लेयर्स क्या हैं मतलब आपको एक नज़र आ रहा है अहमद ठीक है अहमद क्या नज़र आ रहा है आपको अहमद काम कर रहा है ट्रैफिक सिग्नल्स पर काम कर रहा है ये आपको नज़र आ रहा है आपको पीछे नहीं पता क्यों कर रहा है आपने वीडियो देखी काम बहुत अच्छा है लेकिन पीछे क्यों अब उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है राइट वो शायद मेरे इमीजिएट लोगों को बताओ आपको पता चले क्योंकि हमारी बात हुई है ने जी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हम एक लेयर नीचे आ गए हैं फिर उसे और लेयर एक नीचे आते हैं कि क्यों आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना क्या आपको मुसीबत पड़ी है वो शुरू में बात नहीं फाइवर एंड पैसे कमाओ क्यों वो क्यों नहीं तो उसके फिर उसकी एक रीज़न उस लेयर में यह है कि बिकॉज हमारा वी ऑन दिस ना कंट्री बात शुरू में की तो अब वो क्यों है क्यों हम ऑन करते हैं हम इसको क्यों बेहतर बनाना चाहते हैं अब हम एक और लेयर नीचे आते हैं वहाँ पर फिर आ जाती है बात कि आप ने अपने इंटरनल वैल्यूज क्या सेट किए आप किस दिन में ये होना चाहिए कि बाय द टाइम में सिक्सटी का हूँ ना सेवेंटी का फर्क होते हैं आप सेवेंटी पे तो आप लेटे हुए हैं आप किस दिन में जब फ्लैश बैक्स आएंगे ना जिंदगी के दे शुड बी वर्थ वर्थ वॉचिंग देख के को यार अच्छा काम हुआ यार सही है अब uh. मैं चला जाऊँ तो वाली बात और इसमें थोड़ा spirituality का element आ जाता है कि इंसान को भेजा क्योंकि अगली देर पे हूँ मैं <laughs> अच्छा हम बिल्कुल कोर में आ गए जो सिर्फ मुझे पता है हाँ. जिनको बताऊँगा उनको पता होगा जो कि अब सबको पता चलने लगा है कि बाई आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि यार जब मैं अगली दुनिया में खड़ा हूँ ना अल्लाह के सामने वो आजम का बड़ा मशहूर वो एक कोर्ट था कि ने पूछा ना अब क्यों आयो यूरोप छोड़ के इधर आ गए यार uh, मैं जब अगले जान में जाऊँ तो अल्लाह के सामने जब खड़ा हूँ तो अल्लाह आई एम प्राउड ऑफ यू जनाट ट्राई बेस्ट तो आई जस्ट वॉन्ट देट के मैंने पता नहीं होगा कि नहीं होगा लोग इंक्रेज uh, करें डिस्करेज करें आई डोंट केयर बेसिकली लेकिन लेकिन कोशिश के ऊपर उम्मीद पे दुनिया कायम है वाली बात है एंड आई थिंक वो इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट uh -huh. है कि मेरे मैं सच्ची बात है मैं इसके ऊपर ज़्यादा तफसी में जाऊँगा नहीं मुश्किल होता है पाकिस्तान ऑफ <laughs> कैमरा हम बात कर सकते हैं बट थोड़ा सा मैं sort of like, um, like अगर एलिमेंट दूँ कि मेरे वन आई वज इन कॉलेज आई हैड दिस होल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आई एग्जिसटेंशियल क्राइसिसर वाई डी डू वी डू एनी फील लाइक के उसके अंदर वट वट बिगैन टू ड्राइव मी वज़ वेर आई रियलाइज कि अगर अल्लाह ताली आपको बार बार कह रहे हैं यार तुम अशरफ अलमखलूक आ तो मशरफ अलमखलूक आ और वो कह रहे हैं इंसानियत का काम कब का दे रहे हैं तो क्या मैं अपना माइंड यूज़ करूँगा फ़ॉर द सेक ऑफ़ मनी एंड फॉर द सेक ऑफ़ के यार मैं अच्छा दिख जाऊँ अच्छा ये कर जाऊँ या वो कर जाऊँ या मैं अपना माइंड एक एक ह्यूमन एक, माइंड है उसको मैं यूज़ करूँगा टू सॉल्व सम फॉर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व सम फॉर्म मेक आवर शेयर लिविंग एक्सपीरियंस बेटर एंड क्या मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ इट डजेंट मैटर आई थिंक गॉड इज़ गोइंग टू लुक एट यू एंड से यार ठीक है कम अज़ कम कोशिश तो की ना oh. right राइट लाइक लोग कहते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन अमरीका में काम बड़ा आसान है <laughs> यार डज इट रियली मैटर लाइक कि आप अमेरिका में जाके वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो या पाकिस्तान में बैठ के सॉल्व कर रहे हो वॉट मैटर्स इज दैट आप किस विजन के साथ काम कर रहे हो आपकी क्या डेड एंड नौकरी है कि यार मेरी ना त... क्यों नौकरी कर रहे हो यार तनख्वाह आ जाती है यार रियलीज़ देर नो मीनिंग टू योर लाइफ यू आर एन एंटायर लिविंग ह्यूमन बींग

सॉट ऑफ मोटिवेट या लाइन पे रखने के लिए या सीन रखने के लिए स्परिचुअल बातें ना प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ में भी यकीन है हमारा लेकिन उस तरह से नहीं हम समझते लेकिन आई थिंक है ऐसा वो ऐसे कि अच्छा दो कॉन्सेप्ट है, एक है डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट आप डेस्टनी ख़ुद बनाते हो मतलब एक है कि आपने जो मर्ज़ी करो वहाँ पर आपने पहुँचना है एक एक दूसरी स्ट्रीम है कि यू make सेल्फ मेड अच्छा लेकिन मेरा ख्याल है कि तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए यह कि आप जब तक तो कुछ करोगे ना उस तरफ कर ये मतलब ये आप आपकी डेस्टिनी है यू नॉट ट्राइंग एनी थिंग एनी थिंग आप उस तरफ जाओ डेस्टिनी भी आप पहुँचोगे नहीं लेकिन अगर आप थोड़ा सा चलना शुरू करो ना खुद भी तो डेस्टिनी भी आपकी तरफ आना शुरू होती है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है हाँ, और, और ये ये टोटली स्पिरिचुअल चीज़ है लाइक कोई मतलब मैं हैरान और परेशान होता हूँ ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक़ हो जाते हैं मैं कहता हूँ ये मेरी कैपेसिटी नहीं थी ये तो अल्लाह की तरफ से आई है चीज़ और मतलब वो जो सी बैग कंपनी का बताया मैंने आपको सौ डॉलर का क्लाइंट था मेरा सौ डॉलर इज़ लाइक मिनिमम उसका मुझे मैसेज आया रात को बारह बजे बारह बजे मैं कॉल नहीं करता किसी को मीटिंग उस टाइम मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरे बात भी नहीं करनी थी मैंने मैसेज देखा ऐसे सीन जोन सो गया लेट गया मैं नींद ना आया सी बैट रात सुबह सोया था मैंने कहा कर लेते हैं मीटिंग तो मैंने कहा जो बात करते करते हमारा प्रोजेक्ट पर छोटा सा डिस्कशन हुई बात चलना शुरू होगी आगे कह रहा मैं जी इंजीनियर हूँ इधर मैनेजर हूँ कंपनी है और हमारे तो ये काफ़ी मसले होते हैं ना कंप्यूटर कम, भी सॉल्व हो सकते हैं मैं कहता हूँ अच्छा आ, हमारी तो कंपनी का काम ही है हमारे यहाँ पे कंपनी बस लाइक वाह तो फिर हम करना बात करना शुरू हुए बात कहाँ तक पहुँच गई है ये बस एक्चुअली लाइक मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ अभी मैं मास्टर्स खत्म करता हूँ मैं बस जॉब छोड़ता हूँ आई कैन एक्चुअली लाइक फ्रेंचाइज और कंपनी इन सऊदी यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई है मैं सोच रहा हूँ मेरी क्या मेहनत हाँ। है इसमें वो आया मेरे पास मैं तो कॉल भी नहीं कर रहा था उसके उससे प्रोजेक्ट भी शायद ना उठाता बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट था तो वही बात है आप जब शुरू करते हो ब्लाइंडली बस आप ट्रस्ट करके ना अल्लाह पे कि देर इज़ कुछ होता है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है एक चीज़ आपकी तरफ भी आती है आप हाँ। एक कदम आगे लेते हो तो वो भी आपकी तरफ आती है ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता छेड़ ही दिया बड़ा मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है अपनी जिंदगी में बट चले आज ट्राई करते हैं Um, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग हैं वो शायद इस बात को थोड़ा सा करेंगे जो जो जिन्होंने न्यूरो नेटफर्क पढ़ा हुआ है एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग पढ़ी हुई है um, जब आप सिम्यशन uh, रन करते हैं ना तो जो ये डेस्टिनी एंड प्री डेस्टिनी एंड आप अपना ख़ुद पात करते हो तो उसके ऊपर बात ये आती है कि ये बड़ा एक ए, एक सॉर्ट sort ऑफ of है कि आप कहते हो कि यार इफ़ गॉड नोज़ एवरी थिंग राइट एंड गॉड हैज़ डिफाइंड कि मेरी तो ये बात है तो फिर मैं कोशिश भी क्यों कर रहा हूँ ठीक है और अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वॉइस ऑफ वर्सा एक्सट्रीम्स हैं दो दो एक्सट्रीम्स हैं uh, मेरा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी फ़र्क है मेरी अंडरस्टैंडिंग ये फ़र्क है कि इट्स नॉट नेसेसरली दैट गॉड नो यू हैव वन पैथ एंड गॉड नोज दैट वन पैथ गॉड इज ऑल नोइंगज अ फॉर एग्जाम्पल एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट वन यू रनिंग अप सिमुलेशन यू नो एवरी पॉसिबल वे दैट अ सिमुलेशन विल गो थ्रू कभी देखी आपने नहीं लाइक एक डिसीजन ट्री होती है कि ये होगा तो इसके बाद ये पॉसिबिलिटी होगी ये 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 पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी होगी 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 अगर इस में होगा तो हाँ वो एक पूरी डिसीजन ट्री होगी और अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसा जैसा आपका डिसीजन चेंज होता जाएगा तो आपको एज यू हैव द स्कोप ऑफ एज द क्रिएटर ऑफ दैट विल नो ऑफ हाउ योर लाइफ कैन इवाल You know everything. And so that is God, right? He's the creator and He knows every possible way that every decision that you're going to take and every possible outcome that you're going to make, whether you die poor or whether you die as the president of, of Pakistan, is entirely He knows everything, every aspect, every minute, tiny. And there are trillions and trillions and trillions of possibilities of every day decisions you have to change and you have to ये तो वो है कि अल्लाह ताला को किस तरीके से आपकी डेस्टिनी का पता है क्योंकि उनको आपकी हर पॉसिबल डेस्टिनी का पता है आपकी डेस्टिनी का पर्पस हुआ है कि आपने उस डिसीजन ट्री में से एक दफ़ा गुजरना है आप उसमें ना वापस <laughs> जा सकते हो ना लेफ्ट राइट -right जा सकते हो ना आप हॉप कर सकते हो तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि उस डिसीजन ट्री में से आपने कौन सा वाला चूज़ करना है कौन सा पैथ चूज़ करना है मैं मेरा मानना ये आठवीं जमात में मैं था तो मैंने ये दिमाग में बनाई थी मैट्रिक्स देखी थी उस वक्त मैंने आपने मैट्रिक्स देखी हुई है बोलिए काफ़ी पहले देखी पुरानी मूवी है हाँ। बहुत कल्ट फॉलोइंग है उसकी वेरी गुड मूवी टू वॉच उससे में, और और मैं गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता होता था तो उसमें गेम्स के अंदर ना वो होता था एन पी सीज खिलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली ए आई टाइप कैरेक्टर्स होते हैं जो बस फिर रहे होते हैं हाँ। और आप वो और उस ज़माने में जब हम फॉर स्पीड वगैरह खेला करते होते थे तो आपकी जब गाड़ी चल रही होती थी ना रियल टाइम पर रेंडर आ रहा होता था आप टर्न कर रहे होते थे तो रियल टाइम पर जो है ना वो अपियर हो रहा होता था मेरे दिमाग में आया मैंने कहा यार वॉट इफ़ वी वो लाइक वॉट इफ़ आई वुड से कि मेरे कमरे के बाहर कोई नहीं है हाँ सिर्फ Actual है। एक्चुअल में ये कमरा है परसैप्शन है ना परस्पेक्टिव है तो मैं उसको परस्पेक्टिव थेरी बोलता मैं कहता कि यार अगर मैं इस कमरे से बाहर जाऊँ और इस कमरे के अंदर मतलब मेरे दिमाग में कौन से मुझे डर क्या लगा होता है सोसाइटी लोग ये क्या होगा वो क्या होगा उनका इम्पैक्ट ऑन मी एंड माई डिसीजनस बट वॉट इफ़ ऑल ऑफ देम आर एन पी सीज लाइक दे आर नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स एंड doing is डूइंग they are here to aid me in my experience of living. ठीक है देर ऑल ए आईज ठीक है एंड आई डिफाइन के मैंने ये गेम किस तरह से एंड करनी है ठीक है तो आपका एक वो जो फियर है वो ब्रेक हो जाता है कि यार मैं द आइडिया दैट कैन आई बी इलॉन मस्क नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ पीपल विल लाइक नहीं यार वो अपने दोस्त को बोलेंगे यार पागल है तू तू लैया से उठ के तू इन मस्क <laughs> बनेगा या तू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेगा पागल है तू क्या बातें कर रहा है But what if that character is not a character? what, is he, what if he's not a very narcissistic narcissistic? Si baat hai. But I I think I can do anything. I think I could be the president of Pakistan or Prime Minister of Pakistan. I think I could be um, you know, whatever, like the the best of whatever I choose to do. It's entirely dependent on कि जो मैं डिसीजन ट्री में जा रहा हूँ उसमें मैं क्या 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 चूज़ करता हूँ किस बात को परसू करता हूँ और उसमें फिर आई रेड फोर्टी रूल्स ऑफ लव आई रेड यू नो लॉज ऑफ़ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल देर एज वेल एंड एंड ये मैंने ये आपकी बात इतनी ऑन पॉइंट है कि मेरी जिंदगी में अगर आज आपको पता हो ना कि मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ अगर दस साल पुराने मुजम्मिल को पता हो कि मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ तो वो वो उसका दिमाग ही फट जाएगा <laughs> मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ मैं क्या एक्सपीरियंसिस कर रहा हूँ सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई जस्ट I was on that path where I was like, yeah, I want to grow, I want to do this, I want to do this, I want to do this. And things that didn't exist were out of thin air. I credit mm -hmm. But the law of attraction really works. If you begin to go into that direction, shayad don't बट वो चीज़ें आसान होती जाती हैं थिंग्स हैपन अराउंड यू पॉसिबिलिटीज ग्रो कोलेबोरेपन आपको लगता है कोई भी नहीं मेरी बात सुन रहे सडनली समर्ग इन लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग सिमिलर मे बी वी कैन वर्क टुगेदर एंड जस्ट लाइक यार मैं, मुझे तो लगा था कि मैं अंधो में खाना राज जाऊँ एक और खाना राजा एग्जिट करता है Um, प्री डेस्टनी और वो वाली बात थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वॉट यू चूज टू लाइकनी आपके हाथ में एंडिया पॉसिबल दैट यू है मतलब अभी जैसे आपने बात कर दी ना समझने तबाह ही होगी है मतलब इतना रिलेट मैंने किसी से नहीं किया जिंदगी में जो आपने सारी बात बोली है ना हाँ। एग्जैक्टली exactly मेरे जहन में ये बात थी बट यू जस्ट आर्टिकुलेटेड इट वेरी वेल ठीक है ये डेस्टिनी बिल्कुल ऐसे सोचता हूँ मैं हाँ। मेरे मतलब सोचने का तरीका है कोई और डिफर कर सकता, कर सकता है लेकिन मैं जस्ट आई एम जस्ट अमेज कि किस तरह ट्रैफिक सिग्नल तक पहुँच गया से पहले मैंने आपको कहा था मैं बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा बट कॉन्वर्जेशन एक डिफरेंट टेंजेंट पर निकल गई तो हम उसके ऊपर आगे अहमद अमगाना आस्क यू वन क्वेश्चन दैट आई लाइक आई आस्क ऑल ऑफ माई गेस्ट्स एंड यू नो आई वुड लाइक फॉर यू टू आंसर दैट इज वेल बिकॉज यू आर यंग माइंड मोटिवेटेड ऑफ पॉजिटिव माइंड एंड सो आई लाइक फॉर यू टू टेल मी how do you see pakistan um, 30 years from now, 28 years from now in 2050, uh, when, if i can sort of guess, you would be maybe 50 years old? you're 20, right 21, 22 right now. 21, huh. uh, so you'd be 49, 50 years old, huh. right? Um, how do you see pakistan, seeing how it's evolving, um, seeing the possibilities, and, you know, what you've gone through recently as well? Mm, meine, uh, i think many first-hand change experience मतलब जहाँ पे मुझे मसले नज़र आते थे वहाँ पे रे ऑफ लाइट जिसे कहते हैं होप वो भी है और मैं खाली इस इस, इस इस बात का जवाब बा हम इस पॉडकास्ट में आपने दे दे दिया हुआ है जहाँ जब बोला था कि बीच बार बोला था यूथ से हमें तबाह कर सकती है यहाँ हमें एक ऐसा मुल्क बना सकती है जो हमने सोचा भी नहीं हुआ ना बिल्कुल ऐसे ही है इसका जवाब वो ऑन सही ऑन पॉइंट था और ऐसा है और ये आप मैं मैं ना एक पता नहीं कहाँ पर बोला है मैंने आपने एबस्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़े थे फाइव क्लास में फोर क्लास में एबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं ऑनस्टी इज़ एन एबस्ट्रैक्ट यू कैन सी टच उसको ना तो फ्यूचर इज़ एन एब्सट्रैट नाउन जो आपने पूछा है मुझे आप उसको हाथ नहीं लगा सकते आप उससे बात नहीं कर सकते आप उसे देख नहीं सकते लेकिन मैं कहता हूँ लेकिन अगर आपने उस फ्यूचर को देखना है उसको देखना है एक्सपीरियंस करना है आप यूथ से आज की बात कर लें <laughs> जो आपको आप जाएँ आज नस्ट में चले जाएँ आप आए हुई थे नस्म मेरा एक्चुअली पहला इंट्रेक्शन आपके साथ वो दो के जब आप आए थे तब हुआ था तो आप उससे बात कर लें अपनास में चले जाएँ ब्लम्स में चले जाएँ फिर आप इन में ना जाएँ ये तो सिर्फ वन परसेंट है ना आप चले जाएँ नर्मल वो जो बावल मुल्तान में पता बताएंगे कहाँ पर बी जी यू नो हाँ।, you know, हाँ इनको जाके देखें ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आज से पचास साल बाद क्या है और टू तो बी ऑनेस्ट अगर इस तरह चलता गया ना तो मैं इससे जिस इस तरह जिस तरह हमें इसे बेहतर नहीं देख रहा अगर इस तरह चलता गया लेकिन अब मुझे बहुत उम्मीद है कि इस तरह नहीं चलेगा कुछ लोग निकलेंगे कि यार नहीं यार हमें नहीं मंजूर हमें मैं हमने नहीं बाहर जाना और हमने मतलब बहुत लॉजिकली सोचने लग गए लोग रैशनली सोचना चाहिए एम्बिश एम्बिशन ख़त्म हो गया है फील हाँ। होता है मुझे मतलब मेरे पूरे बैच में एक स्टार्टअप निकला है मेरे सीनियर में एक स्टार्टअप निकला है हाँ। मेरे से ऊपर मुझे याद नहीं कोई हो मतलब पावर वॉक था एक तो मतलब एटलीस्ट एक तो निकला ना निकल रहे हैं तो जी रेशो चेंज हो रही है थ्रू आउट टाइम तो इन चेंज होगा और लोग निकलेंगे और तो आई थिंक हम जो आपने दूसरी ऑप्शन बताई थी ना कि वो मुल्क होगा जो कि हमने सोचा भी नहीं था लेकिन उसके लिए लोग निकलना जरूरी है और उसके लिए ज़रूरी है किस तरह की कॉन्वर्जेस बिल्कुल आपके हीरोज़ वो हों आपको आपको पता है आपके जी सेवर का फाउंडर कौन है सेवर फूड्स आपको ये पता हो आपके सुपर क्रिस्प हम खाते हैं उसका फाउंडर कौन था चाय खाना का फाउंडर आपको ताबिश आपकी पॉडकास्ट आप, में, में पर, अच्छा आपकी तो, आपको पता नहीं है लेकिन आपकी मेरी गाड़ी में जब भी मैं जाता हूँ लॉन्ग पे आपको सुन रहा होता हूँ अच्छा तो ये बेसिकली मैं पार्टनर वो लॉन्ग ड्राइव वाला आपको पता नहीं है कितना फैन तो ताबिश आशमी ने कहा था कि नो वन इज सेल्फ मेड वही उससे उससे भी बात कनेक्ट होती है वो डेस्टिनी वाली बात से और आपका ईजी बाइक का मैंने सुना हुआ है वो हादी आमिर प्राचा का सुना हुआ है एंड इस तरह के लोग हीरो होने चाहिए सिर्फ पॉडकास्ट पर ना आए सिर्फ

फर्स्ट हैंड के पाकिस्तान में जो स्मार्ट लोग हैं वो किस लेवल पे स्मार्ट हैं और किस लेवल के ऊपर चेंज लेकर आ सकते हैं और मैंने सोचा मैंने कहा यार मेरे व्हाट्सएप पे क्या बात हो रही है मेरे दोस्त क्या बात कर रहे हैं और यूट्यूब पे क्या <laughs> बात हो रही है एंड द आइडिया बिहाइंड द पॉडकास्ट वैट यू नो लेट्स जस्ट हैव दैम ओवर लेट स्टार्ट टू हैव कम्युनिकेट एंड अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मैं वो लोगों के सामने भी रख सी इफ वैल्यू इन इट आई आई थिंक एम इनक्रेडिबली मोटिवेटेड To see that 200,000 people found value in it, I'm incredibly motivated to see that, you know, Hamari Jo uh, Imran Khan wali podcast, the ex Prime Minister Imran Khan wali, was a pivotal point tha because after that, if you pick up a stone, you State Bank bhi podcast. Uh, Everybody is doing a podcast now. They're doing podcasts in property industry. They're doing podcasts in like IT industry, and that's amazing Me because to. there are a lot of these conversations popping up. Maybe all these conversations didn't. वेरी you बेस्ट know, यही चेंज की बात मैं कर रहा हूँ यार है बट उसमें से आपको ऐसे हीरे मिलेंगे जो कि आपने कहा यार मैंने तो उसको डिस्कवर ही नहीं किया था ये देखो तरह कितना बेचारा खामोश बैठा हुआ था एंड आई थिंक जो आपने वो कहा ना कि बाई द कमिंग टू तो यूनिवर्सिटी आई थिंक वही वाली बात है हम एक सिफ्त बदल रहे हैं कि Uh, uh, किस तरफ हम हम पहले देखते थे हम क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स एंड डेफिनेटली डिमांड रिस्पेक्ट एथलीट्स पूरी दुनिया में वो करते हैं बट पहले हमारे क्रिकेटर्स होते थे हमारे लिए यू you नो know, शहीद होते थे हमारे लिए इधर लेफ्ट राइट होते थे हमारे जो बिजनेस होता था जो प्रॉब्लम सॉल्व होता था वो करप्ट होता था जिसने पैसे कमा लिए वो करप्ट होता था हम मस्क को देखते थे हम रॉकर की स्टोरी पढ़ लेते थे लेकिन हम अपनों को देख के कहते थे दो नंबर कंटिन्यू करें तो उसमें

सोचने की या देखने की सलाहियत पैदा करो बिल्कुल और जब वो सलाहियत पैदा करता है फिर वो आगे सोचता है कि यार अच्छा मैंने ये ख्वाब है मेरा तो उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप ले सकता हूँ मैं किसके पास जा सकता हूँ कौन मेरा मैंटोर होगा कहाँ जा मैं ग्रो कर सकता हूँ आई थिंक आर नाउ बिगिनिंग टू बिल्ड दोज थाट लीडर्स जो कि आके जो कि हमारा भी एक छोटा सा उसमें रोल है कि यू नो हम आके वो डिस्कवर कर रहे हैं बट उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ वो कीड़ों की दुनिया वाला ना मैं एक लेकर आया था एजाज़ को मुझे इन द वो पहले इधर आया इधर आके एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोगों ने उसको रीच आउट किया देखा फिर मुझे डॉन और डी डब्ल्यू वालों ने रीच आउट किया उन्होंने कहा यार ये कहानी बड़ी अच्छी है वरुण चुम का डॉक्यूमेंट्री उन्होंने हम स्वा भी गए स्वा भी जाकर हमने वो बनाया यार उस बंदे की डॉक्यूमेंट्री आपको पता है तीन मिलियन लोगों ने पाकिस्तान में देखी है आप उसके नीचे कॉमेंट्स करके पढ़ें मैस मार्केट इज जस्ट लाइक यार वा वर्ड स्टोरी दैट स्टोरी वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल अगर वो बंदा अगर कम्युनिटी ने मुझे ना बताया होता अगर वो बंदा यहाँ के ना बैठा होता वो 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 एक गाँव में होता अपना सिस्टम कर रहा होता राइट हाँ, एंड right? और फिर मैंने उसके बाद देखा ना ही होता मॉर्निंग शो ए आर वाई के मॉर्निंग शो में वो बैठा हुआ था कहाँ कहाँ बैठा हुआ था एंड इट्स नॉट मी इट्स नॉट एनी थे टेक्नॉजी जो कि मेरे लिए ना टेक्नोलॉजी इज वन थिंग जिसने hmm. जिस जो कि इनविटिबिलिटी ऑफ चेंज को या इविटिबिलिटी ऑफ सक्सेस को इंश्योर करती है लाइक like, मेरे लिए 2050 का सवाल बड़ा इजी है बहुत से लोग कहते हैं कि यार होगा शायद, शायद शायद नहीं मेरा मानना ये है कि यार शायद निन्यानवे फ़ीसद लोगों को भी समझ नहीं आ रही बट आनी है समझ मैं नहीं करूँगा तो कोई बात ये नहीं है कि यार आ, हम वो पहुँचेंगे नहीं करें होना है बस हमने करने के लेट पहुंच सकते हैं लैग हाँ लेट पहुंच सकते हैं अर्ली पहुंच सकते हैं मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा कर लेगा दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा इट इज़ नॉट कि यार मैं बहुत बड़ा किंग किंगूँ मैं ही करूँगा तो होगा इट इज़ एक्चुअली अ रेस एंड एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि यार आई नीड टू बी एक्टिवली थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ बिकॉज आज से तीस साल बाद पाकिस्तान में मैं मेरा ज़ाती ख्याल है और ये रिकॉर्ड जा रहा है यू नो बाद में जाके लोग इसको आर का में देख भी सकते हैं मेरा ज़ाती ख्याल है तीन सौ से पाँच सौ मिलीनीर्यर्स होंगे उस वक्त और वो ऐसे मिलीनीयर्स होंगे जिनको जब आप देखोगे ना तो आप कहोगे यार ये कैसे मिलीनीयर बन गया <laughs> अगर आप आज की सोच पे रिलाई करो Uh, but the difference is that those will be the people who were actually thinking outside of the box, who were actually thinking about value, about, um, you know, how can I. And, and more often than not, apart from people who are real estate, more often than not, these people will not be ones driven by money. They will be driven by outcome, value, um, a, a larger sense of being, and, and all of those things. Ahmed, I'm going to wrap this up because, you know, we are at the one hour, 25 minute okay. mark. Uh, but thank you so much for coming in. This was very. Pun intended enlightening <laughs> 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 i expect a different i knew that you were doing something interesting i just didn't think that this conversation would be that insightful you have a remarkable mind and you know i'm 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 extremely glad that you took the time out. thank you <laughs> and we have business how business hows business about value or it's not actually इनशाला फिर होगा लेकिन बहुत मज़ा आया और आई आई एम जस्ट सरप्राइज कि मुझे मुझे भी नहीं लगा था इतना कनेक्ट कर लेंगे आई लाइक इज़ इंटरेस्टिंग गाय लेकिन इतना कनेक्ट किया हमने और अमेजिंग चले थैंक यू सो वेरी मच एंड फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर आई सेनी थिंग एल्स बारहवें तेरहवें मिनट में मैं था और अहमद बस सिंग सर्टन एंड आई जस्ट आई 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 ब्लैक आउट फॉर अ अ मिनट एंड आई थिंकिंग यार प्रोफाउंड माइंड वेरी रेयरली डू आई कम अक्रॉस सच यंग यंग पीपल विद सच clarity of thought not to say that you know amit has to grow a lot and and, and there will be a lot of evolution over time mm -hmm. but for a 23 year old or to 21 year old to be 21. to have that sort of insight and to be able to think in this way is just it's it's exciting for me to just think of the possibilities one of the things that i would mention here is that i know for a fact pakistan more often than not we have some of these leaders emerge and we don't nurture them we don't um value them and I'm not talking here, I'm not talking to the mass market audience. I'm talking to people who might have certain power, um, who might have certain resources, who might have certain experiences um, I would request and I haven't done that on this podcast before, so this is going to be a first as well, I would request people if you think you can provide value and I you know again people who are connected, whether you are in the government sector, public sector, whether in the private sector, if you can if you think you can collaborate here and if you can think you can nurture this mind i think there is a there is a leader in the making in in in, in whatever industries he's in and i know for a fact tabi shashmiki path notwithstanding that leadership is not going to be possible unless a lot of very very smart people come in and help him out mentor him work with him tell him how to go about it so i'm going to if you can just pass on your email address Jawad, if you can make that email address appear here <clears throat> in capital block letters, and if someone uh, you know who thinks they're relevant to all of the things that he said and think that he they can nurture um, and, and and help him grow, I would. डेफिनेटली अगर आप मुझे रेस्पेक्ट करते हैं तो आई वुड लाइक आप ये कर लें आई आई वुड भी ऑन इट बट फॉर ऑलफ यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाले अपिसोड्स के आपको नोटिफिकेशन सॉरी लाइक का बटन दबाएंगे इंगेजमेंट बढ़ेगी ज़्यादा लोगों तक वहीं कानवर्जेशन पहुंचेगी अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाले अपीसोड्स के आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नीचे दिखे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप टी वी कम्यूनिटी जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर आप डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं जैसे कि हमने ये वाली डिफेंट आर्टिक्स भी शेयर करते हैं यू कैन जॉइन देट इज़ वेल Um, इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू मैंने कहा था कि हम दो लाख सब्सक्राइबर के बाद हम ये इसके ऊपर आएंगे सो वी आर गोइंग टू Begin to now commercialize the podcast. So, I just wanted to let you guys know, okay, we will be taking sort of 30 second uh, um, segments. Then, uh, we have podcast where we have different partnered uh, you know, uh, brands. We will be sharing that as well uh, to fund the podcast and to grow the podcast. We have some very exciting uh, growth plans coming up uh, in the future. Uh, so, if you're someone relevant to that, that industry, please do reach out. Uh, but, anyways, here we If you'd like to support the channel, we accept anything from one rupee to as much as you'd like. It's the thought. That count. But, anyways, this was Sayed Muzamila San Zedi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.